आज न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग योग करते दिख रहे हैं। अहमदाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां रामदेव बाबा पहुंच चुके हैं और आज वहां बहुत सारे रिकॉर्ड बनने वाले हैं। जनक दवे हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं। जनक, क्या वहां पे क्या हलचल? तो विश्व कीर्तिमान देखिए, अभी बाबा रामदेव मंच पर पहुंच चुके हैं और जो 22 कीर्तिमान जो कल स्थापित हुए और उसको जो वहां पे अवार्ड दिए जा रहे हैं, क्योंकि चाहे वो पुशअप का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, कीर्तिमान हो, चाहे यह सूर्य नमस्कार का हो या उसी तरीके से शीर्षासन का हो, 3 घंटे 33 मिनट 33 सेकंड का सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड दर्ज हुआ उनको वहाँ कीर्तिमान जो स्थापित हुआ उनको वहाँ पर अवार्ड किया जा रहा है। लेकिन उसके सामने जो मैं दूसरी तस्वीरें भी दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल अभी पहुँच चुकी है और पीछे का जो मंच दिख रहा है जहाँ पर सामने वहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से लेके गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और अभी IAS और IPS जो भी VVIP डिग्निटीज हैं वो यहाँ पर बिल्कुल सामने होंगे। थोड़ी देर में यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे, साथ ही में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी होंगे और तकरीबन 6 बजे के आसपास योगाभ्यास शुरू होगा। हालांकि बाबा रामदेव जो कह रहे हैं उसके मुताबिक योग के अभ्यास की जो शुरुआती प्रक्रिया है वो अभी थोड़ी देर में यहाँ से शुरू होगी। और न कि केवल ये अहमदाबाद का जो GMDC ग्राउंड है, इसके अलावा भी ऐसे 5 बड़ी जगह हैं जहाँ पर योग अभ्यास किए जाएंगे और एक बड़ा रिकॉर्ड स्थापित किया जाएगा। दावा ये किया जा रहा है कि 2.5 घंटे तक 5 लाख से ज़्यादा लोग योगाभ्यास करेंगे, ये अपने आप में एक कीर्तिमान होगा। तो निश्चित तौर पर सबकी निगाहें अहमदाबाद में खास तौर पर टिकी हुई है, चूंकि अलग अलग तरीके के कीर्तिमान आज यहाँ पर स्थापित होने जा रहे हैं। बिल्कुल जनक, तस्वीरें हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं, हालांकि आप जो नाम गिना रहे हैं अमित शाह से कुछ देर में वहां पहुंचने वाले हैं, साथ ही साथ रामदेव बाबा मंच पर हैं, लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है जनक वहां पर? वो सम्मानित कर रहे हैं कुछ प्रतिभागियों को, कुछ हुनर को। बिल्कुल, आप देख सकते हैं वहां पर जो तस्वीरें कि जो 22 लोग जिन्होंने कल कीर्तिमान स्थापित किए, अलग अलग चाहे पुशअप्स का मामला हो, 10,500 पुशअप्स हो, 3.5 घंटे का शीर्षासन हो या उसी तरीके से सूर्य नमस्कार हो, ऐसे अलग अलग श्रेणी में अलग अलग आयु में जिन्होंने रिकॉर्ड स्थापित किए हैं उनको एक गोल्डन रिकॉर्ड जो है वो दी जा रही है, साथ ही में कीर्तिमान का अवार्ड दिया जा रहा है। तो फिलहाल अभी जो आज का जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक जो 22 लोगों ने जो अलग अलग कीर्तिमान स्थापित किए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उसके बाद योग अभ्यास शुरुआत किए होगा। 6 बजे से रूटीन योग अभ्यास शुरू होगा जो तकरीबन 8 बजे तक रहेगा और राष्ट्रगान के साथ पूरा कार्यक्रम पूरा होगा। तो ये आज के दिन की शेड्यूल अभी यहाँ बताया जा रहा है और साथ ही में अभी भाई श्री रमेश वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो अब साथ ही में बाबा रामदेव भी हैं, थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर योगाभ्यास शुरू हो जाएगा। जनक, तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं, आप जिक्र भी कर रहे हैं कि आज बहुत कीर्तिमान स्थापित होने वाला है, बहुत सारे रिकॉर्ड बनने वाले, क्योंकि 2.5 घंटे का वक्त होगा और तकरीबन आप बता रहे हैं 5 लाख लोग वहां मौजूद होंगे और योग कर रहे होंगे। इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, कितने लोग यहां पहुंच चुके हैं अभी? मदन मोहन जी जिन्होंने वृक्षासन का विश्व कीर्तिमान बनाया है। देखिए, मैं तस्वीर से दिखाने की कोशिश करूंगा कि पीछे पूरा जो मैदान है, ये जो MDC ग्राउंड में बहुत बड़ा मैदान है और यहाँ बताया जा रहा है कि तकरीबन 80,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है, योगाभ्यास करने की व्यवस्था की गई है। तो ये सारे लोग यहाँ पर, पूरा मैदान अभी पूरी तरह से भर चुका है। VIPs जो आने वाले हैं उनके लिए इंतज़ार किया जा रहा है, न कि केवल GMDC ग्राउंड, उसके अलावा मैंने बताया कि उसके 5 अलग अलग लोकेशंस हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से व्यवस्था की गई है। और दावा ये किया जा रहा है, पतंजलि ये जो समिति है, योगाभ्यास समिति, उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 5 लाख लोग आज एक साथ योगाभ्यास करेंगे और वो भी 2 घंटे तक। तो ऐसे में ये अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित अहमदाबाद में होगा। बिल्कुल जनक, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और उत्साह भी हम देख पा रहे हैं कि लोग वहां बैठे और इंतजार उस घड़ी, उस वक्त का हो रहा है जब योग यहां पर शुरू होगा। तकरीबन 6 बजे का वो वक्त है जब यहां पर योग का आरंभ होगा। अभी फिलहाल आपको बता दें, जो मंच पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, रामदेव बाबा वहां मौजूद हैं और वो जो कई कीर्तिमान स्थापित किए हुए लोग हैं उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। और साथ ही साथ अभी वहाँ पर गुजरात के CM पहुँचने वाले हैं, अमित शाह पहुँचने वाले हैं, इंतज़ार उनका भी है। लेकिन आपको बता दें आनंदीबेन यहाँ पर पहुँच चुकी थी और इंतज़ार अमित शाह और विजय रूपाणी का है।
और तस्वीरें आप देखिए, और ढाई घंटे का वो वक्त होगा, ढाई घंटे में 5 लाख लोग तकरीबन योग करेंगे। रिकॉर्ड आज बाबा रामदेव यहां पर बनाने वाले हैं और उसको लेकर पूरी तैयारी यानी सुरक्षा के मद्देनजर भी वहां पर तैयारी कर दी गई है। जनक, सुरक्षा के मद्देनजर जरा बताइए क्या खास तैयारियां देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, सुरक्षा अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आतंकी खतरे का अंदेशा जताया जा रहा था, इसको लेकर इनपुट भी जारी किया गया था। इसके चलते जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है। जीएमडीसी जो ग्राउंड है उससे जो भी रास्ते मिलते हैं वो सारे रास्ते फिलहाल ब्लॉक किए गए हैं और लोगों को पैदल ही ग्राउंड तक पहुँचने को कहा गया है। चूँकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 80,000 से ज़्यादा लोग अगर एक जगह पर इकट्ठा होता है तो निश्चित तौर पर ट्रैफिक को लेकर बड़ी समस्या होनी होती है, इसलिए ट्रैफिक के रूट डाइवर्ट अलग अलग जगह पर किए गए हैं खासतौर पे। और साथ ही में पुलिस ने भी भारी बंदोबस्त, पुलिस का भारी बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया, आसपास के जिलों की पुलिस यहाँ पर लगाई गई है और एक कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी अप्रिय घटना या अनहोनी हो ना पाए और बिल्कुल सही आराम से ये पूरा कार्यक्रम खत्म हो, ये कोशिश पुलिस की ओर से और प्रशासन की ओर से की जा रही है। जनरल, जरा ये भी बताइए कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अलग अलग जगह पर व्यवस्था करी गई है लोगों के बैठने के लिए, जो लोग पहुंच रहे हैं उनको कुछ टुकड़ियों में बांटा गया है, 80,000 तकरीबन लोग एक ग्राउंड में बैठेंगे, बाकी जगहों पर क्या बंदोबस्त? बिल्कुल वही जो बंदोबस्त यहाँ की गई है व्यवस्था वहीं पर, बाकी जगहों पर भी बिल्कुल उसी तरीके से एक यूनिफॉर्मेलिटी हर जगह पर रहे, ये कोशिश की गई, क्योंकि आयोजक गुजरात सरकार और पतंजलि योग समिति की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो एक जो ड्रेस कोड जो होना चाहिए वो मेंटेन किया गया है। साथ ही में आसन से लेके पानी की बोतल तक की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तस्वीर में मैं दिखाना चाहूँगा कि योगाभ्यास के लिए जो मैट होती है वो मैट लगाई गई है और साथ ही में पानी की बोतल भी रखी गई है। अगर थोड़ी धूप रहती है, यहाँ पर बारिश नहीं हुई पिछले लंबे समय से और चिलचिलाती धूप है, अगर सुबह 8 बजे के आसपास भी अगर धूप रहती है तो मॉर्निंग धूप हालांकि उतनी तेज़ नहीं होगी, फिर भी पानी की बोतल यहाँ पर रखी गई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हर तरह की हम कोशिश कीजिए कि स्मूथली फंक्शनिंग हो। साथ ही में बाकी की ज़रूरतें जो व्यवस्था है वो भी आसपास के दायरे में की गई है, जिसके चलते स्मूथ फंक्शनिंग होता रहे और हर एक जो बैरिकेडिंग किया गया, हर एक जगह पे जोन बनाए गए हैं उसकी जिम्मेवारी के लिए स्पेशल अधिकारी यहाँ पर डेप्यूट किए गए हैं। हर एक थोड़ी छोटी रिंग बनाई गई है जिसमें तकरीबन 70 से 80 लोग योगाभ्यास करें, ऐसी अलग अलग रिंग बनाई गई और रिंग के भीतर की जिम्मेवारी हर एक सरकारी अधिकारी वहाँ पर होगा, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, साथ में पुलिसकर्मी भी वहाँ पर होगा। तो इस तरीके से यहाँ व्यवस्था अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में की गई है और इसी तरीके की व्यवस्था बाकी जो 5 जगह पर अहमदाबाद में है वहाँ पर भी इसी तरीके की व्यवस्था की गई है। सवितर्दुरितानि परासुव जदभदरं तन्न आसुव ओम शांति शांति शांतिः। योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य और मार्गदर्शन में आज विश्व योग दिवस पर यहाँ हमारे गुजरात की धरती पर कर्णावती में एक विश्व रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है। स्वास्थ्य अपने आप में एक बिन सांप्रदायिक बात है और उस स्वास्थ्य के लिए, आपको निरोग रखने के लिए जो भी विधाएं हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ योग, उसके साथ कोई भी सांप्रदायिकता जुड़ी हुई नहीं है। ऐसे
इस योग विधा के परम श्रेष्ठ मार्गदर्शक पूज्य बाबा जी के मार्गदर्शन में और सानिध्य में हम सब लोग आज एकत्र हुए हैं। भगवद गीता जो अपने आप में एक वैश्विक ग्रंथ है, उसमें भी ईश्वर का, भगवान का यही विधान है कि जो योग है वो दुख का हरण करने वाला है। आपके जागने में, आपके सोने में, आपके खाने में, पीने में, आपके आहार में एक संतुलन आप कायम करें तो ऐसा योग आपके सब प्रकार के दुखों को हरण करने वाला सिद्ध होता है। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। मैं आज बहुत प्रसन्नता के साथ इस समारोह में सम्मिलित हुआ हूँ। एक तो गुजरात की धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है और मुझे लगता है आज मैं जब आ रहा था तो इतने ब्रह्म वेला में अहमदाबाद को इस तरह से जगे हुए और योग के लिए इतना उत्साहपूर्वक सक्रिय हुए इसके पहले शायद देखा नहीं गया था। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि जहाँ ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में लाखों की संख्या में लोग एकत्र होकर के योग कर रहे हैं। भगवान ने, ईश्वर ने हमें एक बहुत अद्भुत यंत्र दिया है जिसको हम ये मानव शरीर कहते हैं और उस यंत्र को स्वस्थ, सौष्ठव युक्त, इसको निरोग रखने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं और हमें होना चाहिए, क्योंकि शरीर के प्रति भी हमारा कुछ धर्म होता है। जो शरीर एक साधन के रूप में हमारा इतना बड़ा साधना का कार्य कर रहा है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जैसा बाबा जी ने एक सूत्र दिया है कि करो योग रहो निरोग। मैं वैसे कोई नियमित रूप से योगासन करने वाला नहीं हूँ, सूर्य नमस्कार जरूर कर लेता हूँ, लेकिन योग की जो विधाएं हैं उसमें प्राणायाम वो मेरा नियमित होता है। कुछ प्राणायाम मुझे बाबा जी ने सिखाए हैं, इनके साथ रह करके भी कभी कभी आज पूरा ही करने का अवसर मिलता है। और बात यह है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ प्रवचन करते हैं, तो प्रवचन में या कथाओं में बाबा जी आ जाते हैं तो बस बिना योग के वो कुछ करते ही नहीं है, इसलिए भी उनके साथ साथ रह करके कुछ आसनों और कुछ प्राणायाम को सीखने का अवसर मिला है। मैं आज यहाँ इतनी बड़ी विशाल संख्या में आए हुए आप सभी भाई बहन, हमारे कितने बच्चे, कितने बेटियाँ इतने उत्साह के साथ जो यहाँ आ रहे थे, उनके उत्साह को देख करके मैं मन ही मन उनको प्रणाम कर रहा था। हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के बहुत ही ऊर्जावान, प्राणवान और लोकप्रिय, और न केवल लोकप्रिय, लोक प्राप्य भी ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयासों से और बाबा जी की प्रेरणा से आज विश्व के अनेक देशों ने इस योग को अपनाया है और योग दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तक एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है अपने कार्यकाल में, और उसका संपूर्ण श्रेय, उस ऊर्जा का संपूर्ण श्रेय योग को जाता है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, नमस्कार। बाबा जी के साथ साथ आज हमारे गुजरात के बहुत ही तपोमय और अपने अपने क्षेत्र में कुछ विशेष प्रदान करने वाले, बाईं ओर जो मंच है उस पर जितने संत समाज के सब महापुरुष बैठे हैं, आज उनका सानिध्य भी
बहुत ऊर्जा से हम सब लोगों को युक्त कर रहा है। मैं उन संत समाज के सभी संतों महानुभावों को भी प्रणाम करता हूँ। पुनश्च एक बार बाबा जी का ये जो प्रदान है, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ, ये जो योग मैं बता रहा हूँ, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवि ब्रवीत। परंपरा से जो योग प्राप्त है, जो चल रहा था, वो कुछ समय के बाद विस्मृत कर दिया गया था। अर्जुन, आज मैं तेरे माध्यम से पुनः उस योग को, उस ज्ञान को मैं पुनः प्रकाशित कर रहा हूँ, पुनः उसको लोगों के सामने रख रहा हूँ। उसी प्रकार से ये योग दर्शन तो बड़ा प्राचीन है, हम सब जानते ही हैं, लेकिन योग के प्रति इतना जागृति को लाना, योग के प्रति लोगों के, जन जन के मानस में इस प्रकार की अभिरुचि पैदा करने का जो श्रेय जाता है, वह हम पूज्य रामदेव जी बाबा को ही स्वाभाविक रूप से देते हैं। और इसके लिए न केवल यह देश बाबा जी, विश्व की संपूर्ण मानवता इस योग दर्शन को पुनः जागृत करके जन जन तक पहुंचाने के लिए आपके प्रति सदा ऋणी रहेगी। मैं भी पुनः एक बार आपकी उस तपस्या को प्रणाम करता हूं, और आज इस अद्भुत क्षण का साक्षी यहां उपस्थित होकर मैं भी बन रहा हूं, उसके लिए मेरी प्रसन्नता है। मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना, परमात्मा आप सबको निरोग रखें और योग के प्रति आप सबको हमेशा के लिए समर्पित करें। हो सकता है आज के दिन हमारे में से कई लोग ऐसे हो जिन्होंने पहली बार हम नाक पकड़ेंगे, प्राणायाम करेंगे, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि एक बार यहाँ आकर के जैसे कान पकड़ते हैं, गलती के लिए क्षमा मांगते हैं, आज नाक पकड़ के हम अपने आप को स्वास्थ्य के प्रति समर्पित जो कर रहे हैं, तो वो नाक हमेशा के लिए पकड़ी रहे और हम सबकी नाक बनी रहे कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, भारत माँ की सेवा में निरंतर लगे रहें। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस महापर्व में पूज्य रमेश भाई ओझा आपके शब्द प्रसाद के लिए। और अब हम अपनी परंपरा के अनुसार आज के इस गौरवशाली दिवस की शुरुआत हमारी सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलन से करते हैं। निवेदन करते हैं सम्मानीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान नितिन भाई पटेल से, सम्मानीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबहन पटेल से, नितिन भाई, गृह राज्य मंत्री श्री प्रदीप सिंह जी जाडेजा से, रमत गमत एवं युवा सेवा सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभाग के राज्य मंत्री श्रीमान राजेंद्र भाई त्रिवेदी से, महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती निर्मला बहन वाधवानी से, अहमदाबाद महानगर के माननीय मेयर श्री गौतम भाई शाह से, जडेजा साहब भी आगे आ जाएंगे, वैसे तो बहुत लंबे देवता हैं की पावन भूमि से पधारे हुए भारतीय गुरुकुल परंपरा के जोरदार अभिनंदन। बहुत सारी तालियों के साथ, हमारे करतल ध्वनि के साथ इस दीप प्रज्वलन में हम सब जुड़ रहे हैं। परम श्रद्धेय योग ऋषि पूज्य रामदेव जी महाराज के सानिध्य में दीप प्रागट्य, देवका की पावन भूमि से पधारे पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा की उपस्थिति में ये दीप प्रज्वलन। योग दिवस पर न्यूज 18 इंडिया की खास पेशकश आप देख रहे हैं। जनक हमारे साथ अहमदाबाद से ही बने हुए हैं। जनक, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वहां पर शुरुआत कार्यक्रम की हो चुकी है, कितना उत्साह आप लोगों में वहां देख पा रहे हैं? देखते ही बनता है उत्साह। मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और अभी जो मंच से जो अनाउंसमेंट हो रहा है बाबा रामदेव, उसके मुताबिक अब योग अभ्यास की जो शुरुआती प्रक्रिया है वो अब शुरू होगी, प्राणायाम शुरू होगा, तो उसको लेकर अभी केवल जो राज्यपाल हैं उनके लिए वेट किया जा रहा है। थोड़ी ही मिनट में यहाँ पर अमित शाह भी पहुँचेंगे और मुख्यमंत्री भी साथ में होंगे, तो उसके बाद योगाभ्यास शुरू होगा। और आप दूर दूर तक आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरों से दिखाने की कोशिश करूँगा, पूरा का जो मैदान
मैदान है वो पूरी तरह से भर चुका है। अभी 5:15 5:30 होने के तैयार है, उसी 5:30 होने तक या पूरे इलाहाबाद जो ग्राउंड है वो पूरी तरह से भर चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने सामने से जुड़ रहे हैं, और ये कोई कंपल्शन नहीं था, लोगों को लगे और वो अपना नामांकन भरवाए उसके बाद यहाँ पर आना होता था, तो लोगों ने सामने से नामांकन भरवाए, ये अपने आप में पता चलता है कि लोगों में उत्साह है। और न कि केवल ये एक मैदान, इससे अलावा भी 3 से 4 जो मैदान बड़े बड़े मैदान हैं वो पूरी तरह से भर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर अहमदाबाद के लोगों में खास तौर पर उत्साह देखते ही बनता है। जनक, जो और आप जो जिस ग्राउंड की बात कर रहे हैं जहाँ पर लोग मौजूद हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों को बैठाया गया क्योंकि मुमकिन नहीं है 5 लाख लोगों को एक ही ग्राउंड पर बैठाना, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था करी गई है? क्या वो भी वहाँ पर बैठकर एलईडी या किसी के माध्यम से रामदेव बाबा को सुन पा रहे हैं, या वो वहाँ से देख पा रहे हैं उनको? बिल्कुल, देखिए हर जगह पे अगर मैदान की मैंने बात कही तो हर जगह पे डी शेप बनाए गए हैं, और डी शेप में तकरीबन 50 से 70 लोगों की कैपेसिटी रखी गई है, जिसमें चूंकि एक बड़ी नेट होती है और तकरीबन 5 से 7 फीट जगह एक व्यक्ति को चाहिए योगा अभ्यास करने के लिए, तो ऐसे डी स्क्वायर जितने बनाए गए हैं इस मैदान में उसमें 50 से 70 लोग होंगे, उनको LED स्क्रीन के जरिए बाबा रामदेव सीधा योगाभ्यास सिखाएंगे। जहाँ जहाँ पर LED स्क्रीन नहीं है वहाँ 70 या 80 लोगों के बीच में एक योग टीचर रखा गया है, जो जो प्राणायाम से लेके जो भी योगा अभ्यास होगा या सूर्य नमस्कार होगा, शीर्षासन होगा, या जो भी मंच से जो अनाउंसमेंट किया जाएगा उसके मुताबिक जो योगा जो टीचर होंगे वो उन जो लोग हैं या योगा अभ्यास करने वाले लोग हैं वो उनको सिखाएंगे। तो उनकी रीच अगर आप पूरे मैदान ही नहीं लेकिन बाकी के जो मैदान हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से LED स्क्रीन लगे हैं, और LED स्क्रीन जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हर डी स्क्वायर में एक एक योग टीचर को रखा गया। अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूँगा, उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल और पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल पहुँच गई, साथ में गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा भी यहाँ पर आ गए हैं। अब बस थोड़ी देर का इंतजार है, यहाँ पर जैसे ही राज्यपाल पहुँचेंगे OP कोहली और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और साथ ही में अमित शाह जैसे ही पहुंचेंगे, योग अभ्यास की जो जो शैली है या योग अभ्यास जो यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं या योग अभ्यास करने जा रहे हैं वो शुरू होगा। माना ये जा रहा है लगभग 5:40 के आसपास योग अभ्यास शुरू होगा। BCCI ने वेस्टइंडीज दौरे तक बढ़ाया था। ये दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में रखते हैं और एक प्रार्थना करते हैं। हम एक विचार, एक संकल्प, एक ध्येय, एक लक्ष्य की ओर अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने आप को महान बनाएंगे और अपनी भारत माता को महान बनाएंगे और इस विश्व में एकत्व, सह अस्तित्व और विश्व बंधुत्व का एक सामंजस्य स्थापित करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानतां संजननोपासते ओम शांति शांति शांति। और आइए अब दोनों हाथ घुटनों पर ले आइए। अब योग के आयुष मंत्रालय के द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का अभ्यास करने के लिए हम सभी
अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भारत में पहली बार आयुष मंत्रालय बना है, उसके लिए भी मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन है कि योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म और संस्कृति को आदरणीय मोदी जी ने राष्ट्र ही नहीं विश्व पटल पर गौरव दिया है। आज मोदी जी जहां खड़े होते हैं वहां 125 करोड़ भारतीय स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। यह हमें गौरव मिला है आज़ादी के 70 वर्षों के बाद। तो आइए अब योग के प्रोटोकॉल के अभ्यास के क्रम में भाई श्री भी मेरा साथ देंगे और हम सबसे पहले गर्दन के लिए अभ्यास करेंगे, ग्रीवा के लिए सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले गर्दन को एक साथ आगे की ओर झुकाएंगे और फिर श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर झुकाएंगे, एक साथ पीछे की ओर गर्दन झुकाएं, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल स्पोलाइटिस पे, फ्रोजन शोल्डर, ये कॉमन समस्या है। फिर आगे की ओर झुकाइए, आंखें खोल के रखें, नहीं तो कई भाई बहनों को चक्कर आने की समस्या रहती है। फिर श्वास अंदर भरिए, गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए। बहुत सुंदर अभ्यास क्रम चल रहा है और आपके साथ साथ 5 ग्राउंडों में जो भाई बहन वो एक साथ इस अभ्यास को कर रहे हैं। अब सब दाहिनी ओर गर्दन को झुकाएंगे, राइट साइड में जमनी बाजू मां गर्दन ने वाड़ो अने सामे जुओ, श्वास अंदर भरी ने बची बच्चे थोड़ो विश्राम करो। देन लेफ्ट साइड में गर्दन को बेंड करेंगे, फिर से बीच में रुकते हुए दाहिनी ओर गर्दन को झुकाएंगे। ये गर्दन के लिए बहुत सहज और बहुत ही उपयोगी। फिर बाईं ओर ऐसे सहजता पूर्वक गर्दन को झुकाते हैं, फिर बीच में आ जाते हैं। अब दाहिनी ओर राइट साइड में जमनी बाजू में गर्दन को घुमा करके देखेंगे, दाहिनी ओर गर्दन को घुमाइए, राइट साइड में जमनी बाजू और कंधे के ऊपर से ऐसे दाहिनी ओर देखिए, इससे गर्दन को पूरा व्यायाम होता है। ये ग्रीवा संचालन के अभ्यास हैं। फिर बीच में रुक जाएंगे, फिर बाईं ओर गर्दन को घुमाएंगे, बहुत सहज अभ्यास है, फिर बीच में रुक जाएंगे। इनको बैठ करके भी किया जा सकता है। फिर से एक बार दोहराएंगे, दाहिनी ओर गर्दन को घुमा के रखा, फिर बीच में रुक जाएंगे, फिर बाईं ओर लेफ्ट साइड डाबी बाजू में गर्दन को घुमाया और बीच में रुक जाएंगे। ग्रीवा संचालन के बाद अब स्कंध संचालन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों के हथेलिए नीचे की ओर, पार्श्व भागों से थोड़े हाथ ऊपर उठेंगे एक साथ, दोनों हाथ कंधों के बराबर। अब हाथ ऊपर की ओर उठाते हुए हथेलियों का रुख ऊपर की ओर कर लेंगे और हाथ ऊपर उठा देंगे एक साथ, और अब हथेलियों का रुख बाहर की ओर, एड़ियां ऊपर उठ जाए तो अच्छा है, ऊपर की ओर तान के रखें शरीर को, हथेलियों का रुख बाहर की ओर, बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी एक रूपता के साथ। इससे एकाग्रता भी बढ़ेगी, बॉडी माइंड सोल थॉट्स इमोशंस एंड एक्शंस की एकाग्रता। फिर हाथों को नीचे ले आएंगे धीरे धीरे और दोनों हाथ जंघाओं के समानांतर, फिर से एक बार हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाया, कंधों के बराबर हाथ आने पर हाथों का हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा देंगे पूरा और हथेलियों का रुख बाहर की ओर। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं सभी एक रूपता के साथ, हथेलियों का रुख बाहर की ओर और फिर दोनों हाथ नीचे। ये ग्रीवा संचालन के बाद स्कंध संचालन का प्रथम अभ्यास हुआ। दोनों हाथों को सामने से लेंगे
और दोनों हाथों को कंधों के ऊपर रख देंगे, दोनों कोहनियों को मिलाएंगे और श्वास अंदर भरते हुए हाथों की कोहनियों को ऊपर उठाया और पीछे से लाते हुए सामने से मिलाएंगे। ऐसे एक श्वास में एक अभ्यास, दोनों हाथ कंधों के ऊपर ही रखेंगे और दूसरी बार ऐसे ही घुमाया, ऐसे दो बार किया, ऐसे 10 बार तक कर सकते हैं। फिर दूसरी ओर से उसके एंटी क्लॉकवाइज नीचे से और ऊपर उठाते हुए सामने से मिला दिया, फिर दोबारा से ऐसे ही करें। दोनों हाथों को अब साइड से पार्श्व भागों से नीचे ले आते हैं। स्कंध संचालन के बाद अब कटी संचालन के दो अभ्यास होंगे। पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, दाहिने हाथ को सामने से घुमाएंगे, राइट हैंड को जमणे हाथ को सामने से घुमाया और हाथ बाएं कंधे के ऊपर आए। अब बाएं हाथ पीछे सीधा, बाएं हाथ पीछे सीधा और हाथ को देखिए पीछे, बाएं कंधे से लेफ्ट शोल्डर से डाबा खंबाती पाछड़ हाथ ने जुआनो, थोड़ी बार आस्थिति में स्थिर रहवानो। फिर दोनों हाथ कंधों के बराबर, दोनों हाथ कंधों के बराबर। फिर दूसरी ओर से डाबे हाथ को लेकर के आएंगे, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पर रखेंगे, राइट हैंड पीछे चला जाएगा, पीछे की ओर हाथ को देखेंगे कंधे के ऊपर से। फिर दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ले आएंगे और हाथ नीचे कर देंगे। ये दोनों तरफ से कंधे और कमर के लिए समान रूप से उपयोगी था अभ्यास, दोनों पैर पास में। और अब दोनों हाथ सामने लेकर के आएंगे और जानु संचालन, कटी संचालन के बाद जानु संचालन थोड़ा नीचे झुकेंगे, जितना हो सके ऐसे बैठने की कोशिश कीजिए। ये घुटने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, बहुत अच्छा किया है सभी ने। फिर वापस आ जाएंगे, श्वास अंदर भर के भी कर सकते हैं और श्वास की गति सामान्य रखते हुए भी कर सकते हैं। फिर से अब खड़े होकर के करने वाले 5 अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऊपर उठाएंगे और सिर के ऊपर दोनों हाथ की उंगली को इंटरलॉक करके रख देंगे। आसन का नाम है ताड़ासन। श्वास अंदर भर के हाथों को ऊपर उठाइए, सब बहुत सुंदर कर रहे हैं, एड़ियां ऊपर उठ जाएंगे। लंबा गहरा श्वास बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, शरीर और मन की, विचार भावों की, पूरे जीवन की एकाग्रता संतुलन के लिए। हाथ नीचे सिर के ऊपर और दोनों हाथों को पार्श्व भागों से नीचे ले आएंगे। अब अगला अभ्यास थोड़ा सा कठिन है, ज्यादा कठिन नहीं है। आसन का नाम है वृक्षासन और एकाग्रता पूर्वक मेरे साथ आप करेंगे। दाहिने पैर को, राइट लेग को उठाएंगे, एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर, दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऊपर उठेंगे और बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस एंड एक्शंस का बैलेंस देखते ही बन रहा है। सबने बहुत अच्छा किया, ऊपर हाथों की हथेलियों को आपस में मिला दें, हाथों की हथेलियों को मिला दें, हाथ सिर से लगे हुए थोड़ी देर इस स्थिति में ठहरे, बहुत अच्छा किया है सभी ने। फिर हाथ नीचे ले आते हैं, ये भी तन और मन की एकाग्रता के लिए। क्षिप्त मूड, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। बाएं पैर को उठा लेंगे, क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था से उठकर के एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में ले जाना,
निम्न चेतना से उच्च चेतना में प्रतिष्ठापित कर देना, ये योग का लक्ष्य है। दोनों हाथों को पार्श्व भागों से उठाइए, हाथ कंधों के समानांतर और हाथ फिर ऊपर। लोअर कॉन्शियस से हम हायर कॉन्शियस में आ जाते हैं, मानवीय दुर्बलताओं से, मानवीय दोषों से, रोगों से ऊपर उठ करके निरोग होना, निर्द्वंद होना, निर्वैर निर्भय होना, थोड़ा एकाग्रता बनाए रखना और दोनों हाथ फिर पार्श्व भागों से नीचे लेकर के आगे। बहुत सरल आसन है। दोनों हाथों को अब पार्श्व भागों से ऊपर उठाएंगे, पेट के लिए और पीठ के लिए, भार को भी कम करने के लिए और देह का संतुलन बनाने के लिए, स्ट्रक्चर है, बैलेंस के लिए भी जरूरी है ये पाद हस्तासन। आगे झुकेंगे, आगे झुक करके माथा घुटनों से लगा देंगे। कोशिश कीजिए माथा घुटनों से लगे, इससे बॉडी का बैलेंस बनेगा, धीरे धीरे आपके हाथ के पंजे पैरों के पंजों के पास टिक जाएंगे माथा घुटनों से। फिर से दोनों हाथों को अब ऊपर उठा लीजिए मेरे साथ एक साथ और दोनों हाथों को पार्श्व भागों से नीचे ले आए और अब दोनों हाथों को कमर के दोनों साइड में लगा दीजिए। अर्ध चक्रासन करें, श्वास अंदर भर के, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द है वो जोर से नहीं करना, सहजता के साथ करना। गर्दन को पीछे की ओर झुकाएंगे, सीने को ऊपर की ओर तानेंगे, थोड़ा पीछे की ओर झुक करके थोड़ी देर रुकेंगे, गर्दन पीछे की ओर झुकी, श्वास अंदर, आंखें खोल के रखें, अधिक ना झुके। जिनको चक्कर आते हो, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग हो, वो अधिक ना झुकाएं, वापस आ जाएं, रिलैक्स। और अब थोड़ा सा पार्श्व भाग में शरीर को झुकाते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, साइड से शरीर को जब मोड़ते हैं उससे शरीर का बैलेंस बनता है। दोनों पैर सामने हैं, अब दाहिने पैर के पंजे को ऐसे घुमाएंगे दाहिनी ओर, राइट लेग के पंजे को दाहिनी ओर घुमाइए और उसको ऐसे पार्श्व भाग में ऐसे रख दीजिए, राइट पैर को, जमणे पग को। और अब ये जमणा हाथ नीचे, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, ऊपर वाले हाथ को ऐसे कंधे के ऊपर से देखेंगे और ऐसे साइड में झुक जाएंगे ऐसे। एक आसन में 10-20 सेकंड का ठहराव होना चाहिए, उसे एकाग्रता बढ़ती है और शरीर का संतुलन बनता है, फिर बीच में वापस आ जाएंगे। बात सुंदर किया सभी ने। अब बाएं डाबे लेफ्ट पैर को ऐसे साइड में रखेंगे, पंजा ऐसे साइड में, और नीचे वाला हाथ नीचे, ऊपर वाला हाथ ऊपर, कंधे के ऊपर से हाथ को ऐसे देखेंगे, ऊपर की ओर देखिए। फिर हाथ नीचे आ जाएगा, दोनों पैर पास में, अब नीचे बैठ जाएंगे और बैठ करके दोनों पैर सामने खोल करके रखेंगे। पूज्य भाई श्री भी हमारा पूरा साथ दे रहे हैं और हमारे सभी मंत्रीगण भी, आनंदी बहन जी से लेकर के आदरणीय नितिन भाई पटेल जी और जडेजा जी से लेकर के सभी बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, एक बार इनका भी अभिनंदन हो जाए भाई, बहुत अच्छे से शरीर को साध रहे हैं। सबसे पहले अब पैरों को मोड़ लेते हैं, ऐसे मोड़ करके तलवों से मिला लिया, भद्रासन, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लिया और ऐसे पैरों को नीचे की ओर दबा के रखा। ये अभ्यास देखने में बहुत सरल है लेकिन घुटनों में स्टिफनेस, थाई हिप जॉइंट में स्टिफनेस होती है तो थोड़ा दिक्कत होती है, तो थोड़ा बटरफ्लाई करके थोड़ा ठीक कर लेना तो घुटने जमीन पर टिकने लगेंगे। भद्रासन के बाद अब वज्रासन में बैठेंगे, एड़ बाहर की ओर, पंजा अंदर की ओर, वज्रासन। खाने के बाद भी आसन में बैठा जा सकता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। और अभी तो थोड़ी देर के लिए आसन को करा रहे हैं, मौसम भी बहुत सुहाना है, बस इंद्रदेव की बहुत ज़्यादा कृपा ना हो, अभी जितनी कृपा बनी हुई है बहुत अच्छी है। हमने सुना है जब कोई शुभ कार्य होता है तो आकाश से पुष्प वर्षा होती है,
देवता भी आशीर्वाद देते हैं, तो इंद्रदेव का भी इस बात के लिए अभिनंदन करें कि 7:30 बजे के बाद ही बरसी हो। चारों तरफ गरज तो रहे हैं बहुत बादल, लेकिन बस बरसे नहीं, इतनी प्रभु कृपा करें, अब घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में लगाएंगे। पहले अर्ध चक्रासन, अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, अर्ध उष्ट्रासन। श्वास अंदर भर के, आंखें खोल के रखना। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, चक्कर आते हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, वो ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना, आराम से ऐसे पीछे झुकना। फिर वापस आ जाए। अब दूसरा अभ्यास उष्ट्रासन, हाथ ऊपर ऐसे उठाएंगे, हाथ ऐसे आ जाएगा, दूसरा हाथ भी ऐसे आ जाएगा, ये गर्दन को पीछे की ओर ऐसे तान दिया। श्वास अंदर जिससे जितना बन पाए करने की कोशिश करना, ये उष्ट्रासन हो गया। वापस आ जाएंगे ऐसे, बहुत अच्छा किया, बैठ जाएंगे वज्रासन, और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए अब करेंगे शशकासन। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएंगे, हथेलियां कोहनियां माथा जमीन पर टिकाएंगे, हो सके तो थोड़ी जमीन पर टिका देना, थोड़ी देर रुकेंगे। अब दोनों हाथ ऊपर एक साथ, सब बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे आ जाएंगे, जितनी देर रुकने के लिए बोला जाए उतना देर रुकना भी चाहिए, 10 सेकंड से कम प्रारंभ करके, फिर 10, धीरे धीरे 20, 30 सेकंड तक। अब दोनों पैरों को सामने से खोल लीजिए, उत्तान मंडूकासन, कंधों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन के लिए भी। दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे, बाएं कंधे के पीछे ले जाएंगे, बाएं हाथ को उठाएंगे, दाहिने कंधे के पीछे ले जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर सिर से सट जाएंगे, और दोनों हाथों कैसे खींच के रखेंगे ऐसे, बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर दोनों हाथ नीचे ले आएंगे, और अब पैर सीधे, और पैर सीधे रखते हुए अब वक्रासन, बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, दाहिने पैर को मोड़ लेंगे, और बाएं हाथ जमणे पग को, राइट लेग को ऐसे बेंड किया, लेफ्ट हैंड को बीच से ऐसे डाला, हो सके तो हाथ को पंजे के पास टिका देना, नहीं तो ऐसे घुटने के पास से पकड़ लेना, और ऐसे घूम जाना, दाहिने कंधे से पीछे की ओर देखना, फिर पैर सीधा कर देना, फिर दूसरी ओर से बाएं पैर को मोड़ा, लेफ्ट लेग को बेंड किया, राइट हैंड को ऐसे क्रॉस करके डाला, ये पेट के लिए, पीठ के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। वक्रासन ऐसे घूम जाते हैं पीछे की ओर, बाएं कंधे से दिखते हैं, जिससे जितना बन पाए प्रयास करना। फिर दोनों हाथ सामान्य अवस्था, अब पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटना ये मकर आसन होता है, विश्राम के लिए आसन होता है, अभी तो आप थके ही नहीं, इसलिए ज्यादा विश्राम अभी नहीं कराएंगे। एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर,
और अब इसके बाद भुजंगासन, थोड़ी जमीन पर दोनों हाथ की कोहनियां पार्श्व भागों से सटी हुई, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे, ऐसे उठाइए और थोड़ी देर रुकिए इस स्थिति में। नीचे आ जाइए, ऐसे 10-20 सेकंड से प्रारंभ करके अभ्यास काल को बढ़ाना, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे रख देना और सर्वासन जो स्वस्थ हो, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, हर्निया, कमजोरी ना हो तो दोनों पैरों से एक साथ उठाना, और जो कमजोर हो तो एक एक पैर को ऐसे उठा लेना, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से एक साथ सर्वासन। ये भी कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, भुजंगासन सर्वासन करने से कमर अच्छी हो जाती है, पैर नीचे आ जाए। अब सभी पीठ के बल लेट जाएंगे सीधे, और सीधे लेट करके दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, सेतु बंधासन, कंधरासन भी इसको कहते हैं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लिया, दोनों पैरों को टखने के पास से पकड़ करके बीच से उठा देंगे, सब उठा करके रखें, लगभग 10 सेकंड तक करने का सभी प्रयास करें। सभी बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं और आज पूरा विश्व साक्षी हो रहा है आपके योगाभ्यास का। अहमदाबाद गुजरात से योग की गौरवशाली परंपरा का एक इतिहास बन रहा है। नीचे आ गए, पैरों को सीधा कर दिया और कमर के लिए, पेट के लिए नाभि पीछोटी, आपने गुजराती में कहिए नाभि माटे, सोलर प्लेक्सस केंद्र के लिए बहुत अच्छा अभ्यास था। कंधरासन, सेतु बंधासन, अब उत्तान पादासन, दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे 30 डिग्री पर, घुटने सीधे, पलजे तले हुए, श्वास अंदर रोक करके रखेंगे। आज्ञा के साथ, आपकी अनुमति के साथ हम सबको बताना चाहेंगे कि आज के विश्व योग दिवस के इस महापर्व में गुजरात राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान विजय भाई रूपाणी का शुभागमन यहाँ पे हो चुका है और उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। और अभी कुछ बस आसन शेष है, वो हमारे साथ प्राणायाम करने के लिए मंच पर ही आएंगे जी। स्वामी जी, आज के इस पावन अवसर पर सर्वप्रथम पूज्य साधु संतों एवं महंतों के आशीर्वाद लेने हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान विजय भाई रूपाणी उस मंच पर जा रहे हैं। अब आप उत्तान पादासन के लिए के बाद अर्धहलासन कर दीजिए, पैरों को 90 डिग्री पर उठा दीजिए, सबके पैर 90 डिग्री पर उठे हुए। आदरणीय रूपाणी जी सभी साधु संत महात्माओं का आशीर्वाद ले रहे हैं और आपको भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। जो योग करते हैं उनको भगवान का, ऋषि मुनियों का, इस पूरी समष्टि की दैवी शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। पैर नीचे आ गए, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे आप घुटनों से और दोनों हाथ की उंगलियों को डलॉक कर लेंगे और श्वास बाहर छोड़ करके घुटनों को दबाया, छाती से लगाया और घुटनों को छाती से लगा करके सिर उठा करके नासिका लगा देंगे घुटनों से। कमर में दर्द हो तो सिर न उठाना। यह अभ्यास हुआ पवन मुक्तासन का और पैर सीधे। शवासन में थोड़ा सा विश्राम, सभी आसनों के बाद शवासन, ये योग का क्रम है, श्रम के बाद विश्राम का। देह शववत है, पंच भूतों से, 5 एलिमेंट्स की कंपोजिशन से बना हुआ ये पिंड शववत है और हम शिववत आत्मा है। तत्त्वमसि श्वित केतु प्रज्ञानम ब्रह्मायम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम। इस संकल्प के साथ देह को शिथिल किया, स्वयं पर स्वयं को केंद्रित कर दिया तो ये स्वामी जी की आज्ञा के साथ शवासन, थोड़ा रुक जाएंगे बहन, आधा मिनट में हो जाएगा, ये शवासन का क्रम पूरा हुआ।
दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, इसको और अधिक बाद में करवा देंगे। दोनों हाथों के हथेलियों को रगड़ते हुए आंखों पर रख लेंगे, आंखें खोल लेंगे, बाएं करवट लेते हुए। गुजरात राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान विजय भाई रूपाणी जी का मंच पर शुभागमन हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान विजय भाई रूपाणी का आज के इस विश्व योग दिवस के महापर्व में। हमारे साथ उपस्थित हैं गुजरात राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान विजय भाई रूपाणी। आदरणीय विजय भाई रूपाणी जी का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन उनको। सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान विजय भाई रूपाणी पूज्य स्वामी जी को शॉल अर्पण कर उनका अभिवादन करेंगे। वैसे भी मैंने कपड़े उतार दिए थे तो मंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और हमारे पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा का शॉल अर्पण कर अभिवादन कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी, और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। बहुत बहुत स्वागत अभिवादन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान विजय भाई रूपाणी जी का। तो योग दिवस पर आप हमारी खास पेशकश लगातार देख रहे हैं और बाबा रामदेव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, हालांकि वहां पर सीएम भी पहुंच चुके हैं, लेकिन लखनऊ की अगर तस्वीर दिखाएं तो तीसरे विश्व योग दिवस के मौके पर योग करने के लिए लोग रामाबाई अंबेडकर पार्क पहुंच रहे हैं। और इसी बीच लखनऊ में लगातार बारिश भी हो रही है, और बता दें कि कुछ ही देर में पीएम मोदी और सीएम योगी इस पार्क में योग करेंगे। ये दो तस्वीरें लखनऊ में, हालांकि तेज बारिश हो रही है उसी ग्राउंड में जहां पर अब से थोड़ी देर बाद पीएम योगी और सीएम जो है पीएम मोदी और योगी सीएम जो है उत्तर प्रदेश के, वो अभी योग करने वाले हैं। रंजना हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। रंजना, क्या अभी भी बारिश हो रही है? देखिए अभी भी बारिश हो रही है, और लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे लोग काफी उत्साहित हैं, काफी बच्चे आए हुए हैं वो भी काफी उत्साहित हैं, और उत्साह के साथ ही इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और उनके साथ ये लोग योग करेंगे। तो इससे काफी उत्साह है यहाँ के लोगों में, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है। हल्की जरूर हो गई है क्योंकि कुछ देर पहले काफी तेज बारिश हो रही थी, अब हल्की हो गई है, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है। लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है, बारिश में ही लोग बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से जब वो लोग आए और योगा की शुरुआत हो। जी रंजना, जरा ये भी बताइए कि जिस तरीके से लोग वहां पर मौजूद हैं, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अब से थोड़ी देर बाद वहां पर जब पीएम मोदी और सीएम योगी पहुंचेंगे, क्योंकि लोगों में हमारी सहयोगी रंजना बता रही थी कोई कमी नहीं उत्साह में। अहमदाबाद की तस्वीर, अब हम अगले चरण में प्रवेश करेंगे और हमारे बहुत ही विनम्र, बहुत ही सरल, सहज, एक योगी जैसा जिनका पावन चरित्र है, ऐसे हमारे विजय भाई रूपाणी जी, जिन्होंने अपने शरीर पर, अपने मनोभावों पर विजय प्राप्त की है। हमारे यहाँ पर जब राजा धर्म का वर्णन होता है तो कहा जाता है राजा जितेंद्रिय होना चाहिए, विनयशील होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए, परमार्थी और पुरुषार्थी होना चाहिए। ऐसे हमारे विजय भाई रूपाणी जी का एक बार जोरदार अभिनंदन सबके ओर से पुनः। और भाजपा के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह जिनका मंच पर शुभागमन हो चुका है, अपनी करतल ध्वनि से श्रीमान अमित भाई शाह का स्वागत अभिवादन करते हैं बहुत सारी तालियों के साथ। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज को शॉल अर्पण कर उनका अभिवादन करेंगे और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बहुत सारी तालियों के साथ स्वागत सत्कार अभिवादन करते हैं पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा का, यहाँ स्वागत सत्कार अभिवादन कर रहे हैं, साथ में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज को शॉल अर्पण कर स्वागत सत्कार अभिवादन। हम सब अपनी करतल ध्वनि के साथ इस स्वागत सत्कार में जुड़े। बहुत बहुत स्वागत करते हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह का। और मैं बिना विलंब के, क्योंकि योग के बहुत ऐतिहासिक क्षण है, मैं परम आदरणीय श्री अमित भाई जी, जिनको मैं एक राष्ट्रीय राजनीति के आदर्श के तौर पर भी देखता हूं, मेरा उनसे संवाद होता रहता है। राष्ट्रहित के संदर्भ में जो भी कर्तव्य हैं, हम क्या कर सकते अपने देश के हित के लिए, तो मैं पिछले दिनों बैठा था तो एक बात कही
अमित भाई ने, वो मेरे हृदय में बहुत गहरी उतर गई और उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं यहाँ पर जो दिल्ली में बैठा हूँ ये मेरा साध्य नहीं है, मेरा ये साधन है कि मैं दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बैठा हूँ और ये सत्ता मेरा साधन है, साध्य नहीं है, साध्य है मेरे देश की सेवा और देशवासियों की सेवा, ये भाव किसी योगी आत्मा का ही हो सकता है। मैं ऐसे मन प्राण आत्मा से वतन की देश धर्म संस्कृति की सेवा करने वाले और वेद के इस मंत्र को चरितार्थ करने वाले अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। और उन्होंने जो एक विजय का इतिहास कायम किया है पूरे देश में और पूरी विनम्रता के साथ सहजता के साथ, ऐसे मृदोने को समाधपि कठोराणि वज्रादपि, फूल से भी ज्यादा कोमल और वज्र से भी ज्यादा कठोर, जिनका एक बहुत ही दिव्य आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, ऐसे एक निष्कलंक जीवन जीने वाले श्री अमित भाई शाह जी को आज वो प्राणायाम ही होगा। और आज श्री विजय भाई रूपानी जी को आपकी जोरदार करतलत ध्वनि के बीच में आमंत्रित करता हूं। हमारे मीडिया वाले भाई भी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज अमित भाई भी योग की पूरी वेशभूषा में, आओ बड़े स्मार्ट रख रहे हो। और आपकी जानकारी के लिए अमित भाई जी ने अपना वजन भी कम किया है और बाहर से जो अपना राजनीतिक वजन है उसको इतना बढ़ा लिया है कि उससे बहुत लोगों की नींद उड़ गई है, उनको अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। खैर, तो मैं आपको बात ये कह रहा था, अमित भाई जी ने अपने जीवन को साधा है, कभी कभी इनको 10, 12, 2-2, 3-3 बज जाते हैं लेकिन फिर भी सुबह उठ करके योग अभ्यास करते हैं, आंवला एलोवेरा का जूस पीते, गिलोय का जूस पीते और शाम को 7 बजे के बाद आहार नहीं लेते हैं। खैर, ये मैंने इसलिए बताया, गीता का श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा, योग सहकुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते, बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। आइए, ये योग की जो पावनी परंपरा है इसके लिए दोनों हाथ घुटनों पर रख करके सीधे बैठ जाइए, योग का प्रोटोकॉल भी हो जाएगा आगे का, प्राणायाम और ध्यान का और कुछ सहज आसनों का। और आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की पूरी टीम यहां पर है, 100 से ज्यादा एंट्री पास है, एंट्री गेट हैं, 100 से ज्यादा एलईडी स्क्रीन्स यहां पर लगे हुए हैं, 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता आपके बीच में हैं और गुजरात सरकार की यह ऐतिहासिक पहल इस तृतीय विश्व योग दिवस पर रात दिन का अथक प्रयास पुरुषार्थ गुजरात सरकार और पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ताओं का कि आज जब एंट्री गेट से आप अंदर एंटर करते हैं तो एक बार कोड से आपकी संख्या भी काउंट की जा रही है और लाखों लोग इस सामने के इस ग्राउंड से लेकर के और AES ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, पांचों ग्राउंड यहां पर खचाखच भरे हुए हैं, जो इस मैदान में नहीं है एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है हम सबका कि इतने अनुशासन के साथ, इतनी गंभीरता और प्रामाणिकता के साथ मैं कह रहा था, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक इमोशनल, एक मोटिवेशनल, एक इंस्पिरेशनल ओकेजन है और विश्व का सबसे बड़ा इवेंट भी है। इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर दुनिया में बहुत पढ़ाई की जाती है लेकिन किसी को इवेंट मैनेजमेंट भी देखना हो तो मोदी जी के गुजरात में आकर के देखो, सुबह
तीन बजे उठ करके लाखों की संख्या में किस तरह से यहाँ पर भाई बहन पूरे अनुशासन के साथ सम्मिलित हैं। आइए सब सीधे बैठ करके अब योग का जो विश्व कीर्तिमान आज यहाँ स्थापित हो रहा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होने वाले हैं। एक स्थान पर एक साथ सर्वाधिक लोगों का योग करना और एक स्थान पर एक साथ वो भी ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे एक जैसी योग की क्रियाओं का मल्टीपल लोकेशंस पर। तो आज 21 जून विश्व और पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और तस्वीरें हम आपको अहमदाबाद की दिखा देते हैं जहां पर रामदेव बाबा योग कर रहे हैं। न सिर्फ योग कर रहे हैं, कई रिकॉर्ड आज बनने वाले हैं इसी ग्राउंड पर। दोनों हाथ ऊपर और आगे झुक जाएंगे, कोशिश करेंगे जितना हो सके आगे झुकने का प्रयत्न कीजिए। चाहे घुटने तक झुक पाए तो भी अच्छा है, नीचे तक आ जाए जितना बन पाए। और थोड़ी देर ऐसे रुक करके बैलेंस बनाते हैं। पेट के लिए पीठ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, बहुत अच्छा आसन पाद हस्तासन। फिर हाथ ऊपर है मानव तो फिर हाथ नीचे, दोनों हाथ कमर के साइड थोड़ा झुकेंगे बैलेंस बनाते हुए। ऐ मानव तू इस जीवन में योग से कर ले सवेरा, ऐ मानव तू इस जीवन में योग से कर ले सवेरा, कभी ना आए रोग यहाँ पर लौट न पाए अंधेरा, लौट न पाए अंधेरा। फिर से एक बार, ऐ मानव तू इस जीवन में योग से कर ले सवेरा, ऐ मानव तू इस जीवन में योग से कर ले सवेरा, कभी ना आए रोग यहाँ पर लौट न पाए अंधेरा, लौट न पाए अंधेरा। ओए थोड़ा योगाभ्यास में हम, क्योंकि अब तो बूंदे भी थोड़ी कम हो गई है, ये मीडिया के भाई वापस लौट आए इसका मतलब कुछ संकेत है। चलो थोड़ा जॉगिंग कर लो, जॉगिंग जॉगिंग बोलो भारत माता की। पथ पर जो अपने कदम बढ़ा दिए, योग ऋषि स्वामी रामदेव जो विश्व को योग सिखा दिए। हाथ ऊपर थोड़ा बोल के, हर योग साधना के पथ पर जो अपने कदम बढ़ा दिए, योग ऋषि स्वामी रामदेव जो विश्व को योग सिखा दिए। याद करो अरे याद करो ऋषि पतंजलि को जो बीज योग का बोया, याद करो ऋषि पतंजलि जो बीज योग का बोया, कभी न आए रोग यहाँ पर लौट न पाए अंधेरा, लौट न पाए अंधेरा। ऐसे घुटने के लिए बहुत अच्छा। और सुनो ये घुटने के लिए कितना अच्छा है ना, ऐसे शरीर का संतुलन बन जाता है। अब आओ वापस बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ। मैं सोच रहा था अमित भाई बैठे ही जाएंगे, अमित भाई जी के लिए एक बार अभिनंदन कीजिए, इन्होंने शरीर को भी बड़ा साधा है। सब बैठ जाएंगे, हाँ सब बैठिए, सब बैठेंगे अपने अपने स्थान पर। देखो भगवान ने आशीर्वाद दे करके ये बता भी तो दिया कि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन डरने की बात नहीं है। ईश्वर अपने
साथ है, डरने की क्या बात है। तालियों के साथ आइए, ये भी कीर्तन भी तो योग का ही हिस्सा है। ईच एंड एवरी ब्रेथ इज योगा। हाँ सुनो, तालियों के साथ एकता समानता स्वाधीनता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। सब बैठेंगे, पीछे वाले भाइयों बैठ जाओ, पीछे वाले भी बैठ जाएंगे सब। अब बैठ करके ध्यान भी तो कराना था, वो तो बीच में भगवान की कुछ ज्यादा ही कृपा हो गई, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूसरा ट्रैक चेंज कर दिया। हमारे पास तो बहुत से ट्रैक है ना योग के। तो सब बैठेंगे, पीछे वाले भाई भी बैठ जाएंगे, और सभी ग्राउंड्स में स्क्रीन के माध्यम से इस आयोजन को हम एक साथ समाहित किए हुए हैं। और कुछ अभ्यास सुखासन में बैठ करके या वज्रासन में बैठ करके जब हम आगे झुक जाते हैं तो योग मुद्रासन, पीछे झुक जाते हैं वज्रासन में तो सुप्त वज्रासन, ऐसे आगे पीछे दाएं बाएं से पूरे शरीर को साधते हैं। अभी एक प्रार्थना के साथ, ये भी कीर्तन भी तो योग है। जरा एकता स्वाधीनता समानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, योग से ही होगा। ये कीर्तन योग भी कर लीजिए जरा, दोनों हाथ उठा करके। एकता तालियां, स्वतंत्रता, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, मेरे पंथ है करोड़ों गीत एक राष्ट्र का, कंठ है करोड़ों गीत एक राष्ट्र का, रंग है अनेक चित्र एक राष्ट्र का, रंग है अनेक चित्र एक राष्ट्र का, रूप है अनेक भाव एक राष्ट्र का, रूप है अनेक भाव एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक अर्थ एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक अर्थ एक राष्ट्र का, चेतना समग्रता समानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, गाइए मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। बोले भारत माता की। तो चलो अब अगला अभ्यास भी तो करना है। पहली उंगली माथे के ऊपर, शेष तीन उंगलियां आंखों पर होंगी, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद होगा। ये भ्रामरी उद्गीत और ध्यान हर दिन जरूर करना है सबको। पहले उंगली माथे पर, शेष तीन उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, तीन बार सबको करना है। लंबा गहरा श्वास भर करके आइए, पूरी एकाग्रता से भगवान की शरणागति में चलते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सृज। लंबा गहरा श्वास, तीन बार भ्रामरी प्राणायाम।
अब दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में ले आएंगे घुटनों पर, आंखें बंद, मन सहज और लंबा गहरा श्वास भर के पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। उद्गीत प्राणायाम एक डिवाइन साउंड है, दिव्य ध्वनि है, दिव्य उद्घोष है, और इससे 72,72,10,201 नाड़ियां अष्ट चक्र नौ द्वार जागृत शुद्ध हो जाते हैं। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, पावन ओंकार का श्रद्धा पूर्वक उद्घोष करेंगे, आंखें बंद करके रखेंगे। ओ कंप्लीट साइलेंस, आंखें बंद, क्लोज योर आईज, कीप योर बैक एंड नेक स्ट्रेट, कीप बोथ हैंड्स ऑन योर नीज, कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ और होल्ड। कंसंट्रेशन के लिए ये बहुत जरूरी है, मन सहज, ध्यान मुद्रा में आपका पूरा शरीर अलाइंड रहता है, हेड से लेके स्पाइनल कॉर्ड सब कुछ एक सीध में होता है। इसमें बेस्ट होता है कि आप पद्मासन में बैठें। God is helping me, God is blessing me, God is showing his compassion। अगर यह पॉसिबल नहीं हो पाता है तो अर्ध पद्मासन अनुभव करते हुए श्वासों के साथ या फिर सुखासन, प्राणों के सुखासन सबके लिए पॉसिबल है। अगर नीज में क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो ये ना करें। आज्ञा चक्र में या हृदय चक्र में मन को टिका के भगवान के साथ। रामदेव बाबा अभी चक्रास की बात कर रहे हैं, जब हम मेडिटेटिव पोस्चर में होते हैं तो हमारे चक्रास मूलाधार से लेके सहस्रारा तक सारे एक लाइन में होते हैं। बस दूरी है ज्ञान की, दूरी है श्रद्धा कर्मण्यता की। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, ऊपर उठा के रगड़ते हैं, हाथों को आपस में से रगड़ते हुए दोनों हथेलियों की गर्म गर्म ऊर्जा का उष्मा कंजन करते हुए आंखों पर रखते हैं, आंखें खोल लेते हैं। इससे आपकी हथेलियां गर्म होती हैं और आपने जो ओम का उच्चारण किया है उससे जो वाइब्रेशंस हुई हैं आपको, मैं कुछ आप उनको अपनी आंखों में लगा सकते हैं या जहां कहीं भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम है शब्द बोलेंगे क्या वहां पे रखेंगे तो उसमें हीलिंग पावर आ जाती है। बोलिए ज्ञान योग, दूसरा शब्द है भक्ति योग, बोलिए कर्म योग। ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग क्या है, इसके लिए आपको ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अष्टाध्यायी व्याकरण महाभाष्य वेद दर्शन उपनिषद गीता रामायण महाभारत और पुराण से लेकर के कुरान बाइबल आदि वे और वेदों से लेकर के गुरुओं के ग्रंथों से लेकर के ऋषियों के ग्रंथों से लेकर के गुरु ग्रंथ सबका सार बता रहा हूं।
आपको ज्यादा ग्रंथ नहीं पढ़ने में आए, कोई बात नहीं। हाँ, पहले तो योग गुफाओं और ग्रंथों में ही तो था, आज आपके बीच में आया है। और इसको लाने के लिए हम फकीरों ने तो प्रयास किया ही, लेकिन देश के वजीर ने भी इसको विश्व में मान्यता दिलाई, उसके लिए मोदी जी का फिर से अभिनंदन करता हूं। मैं कह रहा था योग क्या, इसको रहस्य बना के रख दिया था। मेरे भाई बहनों सुनो, यहां ऊपर से देखो, ये यहां से अपना अस्तित्व शुरू होता है, और यही सबसे बड़ी चीज है मनुष्य में, ज्ञान। मनुष्य इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और उस मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ तत्व है तो ज्ञान है। ये अज्ञान मिट जाए, अज्ञान हट जाए, तो ज्ञान योग हो जाता है। अंदर अनंत ज्ञान परमात्मा ने दिया है, प्राणायाम से, ध्यान से, यम नियमों के पालन से, अहिंसा सत्य से, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये यम है। शोच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रधान, ये नियम है। यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग, इसी को राजयोग कहते हैं, इसी को हठ योग कहते हैं। हकार कीर्ति सूर्य ठकार चंद्र उच्यते सूर्य चंद्र मसूर योगाथ हठ योग निगद्यते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, और लगातार महा कवरेज यहां पर जारी है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और तस्वीरें इस वक्त आप लखनऊ की देख रहे हैं, तीसरे विश्व योग दिवस के मौके पर ये रामाबाई अंबेडकर पार्क, जहां पर पीएम मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं और बहुत सारे लोग वहां काफी उत्साहित पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ आप रामनाइक को भी देख पा रहे हैं और सीएम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी वहां मंच पर मौजूद हैं। और आज मौका है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, और ऐसे में कल ही पीएम मोदी लखनऊ पहुंच गए थे और आज के तय कार्यक्रम के अनुसार वो वहां पहुंच गए। तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज के इस समारोह में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बैठ जाओ। प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी, आयुष मंत्रालय भारत सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमान श्रीपाद यशो नायक जी, प्रभार श्रीमान श्रीपाद यशो नायक जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्म सिंह सैनी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, बड़ी संख्या में उपस्थित योग साधकगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों, मौसम की विपरीत परिस्थिति के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए और उनके सानिध्य में भारत की इस प्राचीन ऋषि परंपरा के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आप सब की उपस्थिति एक अद्भुत क्षण हम सब के सामने प्रस्तुत कर रहा है। मैं इस अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। सज्जनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं प्रदेश की जनता की ओर से
कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं कि उनकी सदिच्छा के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश को यह कार्यक्रम इस वर्ष करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह कार्यक्रम रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माता रमाबाई भीमराव अंबेडकर त्याग, बलिदान और साहस की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने निर्धनता एवं अभावग्रस्तता के दिन भी साहस के साथ व्यतीत करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसी महान मातृशक्ति की स्मृति में बनाए गए मैदान में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन उनके सम्मान के प्रति सरकार का एक श्रद्धांजलि है। आप सब जानते हैं कि योग भारत की प्राचीन विधा है, हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा का प्रसाद है। वेदों सहित सभी प्राचीन ग्रंथों ने योग के महत्व को स्वीकारा है और अगर कहा जाए तो योग जीवन की एक कला है और जीवन की यह कला हम सबको जोड़ना सिखाती है। जीने की यह कला जिसे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सितंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करके आज जब हम सब तृतीय योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्य समारोह के साथ संपन्न कर रहे हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अनेक स्थानों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप यह समारोह एक जन अभियान और जन आंदोलन का रूप लेता हुआ गांव गांव शहर शहर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। एक प्रकार का है, एक पर्व हो गया है। इससे पूर्व प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम देश की राजधानी लखनऊ में, देश की राजधानी दिल्ली में, द्वितीय समारोह चंडीगढ़ में और यह तृतीय समारोह करने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। सज्जनों, मुझे इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए केवल आपसे ही कहना है कि योग भारत की इस प्राचीन विधा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के लिए हम सबको, पूरे भारतवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, क्योंकि आज देश दुनिया के अंदर 200 से अधिक देश एक साथ योग की, भारत की इस प्राचीन विधा के साथ झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। योग की इस मान्यता को प्रदान करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मुझे केवल इस संबंध में यही कहना है कि योग के बारे में हमारी श्रुति ने भी यही कहा है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत को दुनिया की जिस महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, योग उसका आधार है जिसके माध्यम से योगाग्निमय स्वरूप शरीर जिसे प्राप्त होता है वहां न रोग है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है,
जीवन किस अमरता को प्रदान करने का यह मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 125 करोड़ लोगों के माध्यम से दुनिया को प्रदान किया है। भारत की इस प्राचीन विधा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति एक बार पुनः आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी योग साधकों को तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोटि कोटि बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मौसम की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आप सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में योग का आनंद लेंगे, इसके लिए कोटि कोटि बधाई और शुभकामना देते हुए आप सब से मेरा अनुरोध होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ योग का आनंद लेते हुए आप योग को एक जन अभियान का हिस्सा बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही विश्व को बताया कि भारत ही वो सेतु है जहां प्राचीन परंपराएं नवीन युग से जुड़ती हैं। न्यू इंडिया की मशाल भारतीयों के दिलों में जलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को विश्व गुरु बनाने के महायज्ञ की शुरुआत कर चुके हैं। विश्व को इस बात का एहसास कराने का संकल्प कर चुके हैं कि भारत ही वो पुण्य भूमि है जो विश्व कल्याण की राह प्रशस्त कर सकती है। भारतीयता का अद्भुत गर्व महसूस कराने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि कृपया हम सभी को अपनी शुभकामनाएं दें, अपना आशीर्वाद दें। मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए सभी योग प्रेमी भाइयों और बहनों, देश के भिन्न भिन्न कोने में भी इसी प्रकार से कार्यक्रम में उपस्थित सभी योग प्रेमियों को भी मैं आज लखनऊ की धरती से प्रणाम करता हूं। योग की एक विशेषता है मन को स्थिर रखने की, किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव के बीच भी स्वस्थ मन के साथ जीने की कला योग से सीखने को मिलती है। लेकिन आज मैं लखनऊ के इस विशाल मैदान में हजारों लोगों को देख रहा हूं और ये लोग ये भी एक संदेश दे रहे हैं कि जीवन में योग का तो महत्व है ही है, लेकिन अगर बारिश आ जाए तो योग मेट का भी कैसे उपयोग हो सकता है, योग दरी का उपयोग कैसे हो सकता है, ये भी लखनऊ वालों ने दिखा दिया। लगातार बारिश के बीच भी आप सब यहां डटे हुए हैं, योग के महात्म्य को बल देने का आपका ये प्रयास अभिनंदनीय है। योग स्वयं भी व्यक्ति से समष्टि तक की यात्रा करनी शुरू की है। एक वक्त था जब योग हिमालय में गुफाओं में
ऋषियों मुनियों मनीषियों का ही साधना का मार्ग हुआ करता था। युग बदलते गए, सदियां बीतती गई, आज योग घर घर का, जन जन का, उसके जीवन का हिस्सा बन रहा है। विश्व के अनेक देश जो न हमारी भाषा जानते हैं, न हमारी परंपरा जानते हैं, न हमारी संस्कृति से परिचित है, लेकिन योग के कारण आज पूरा विश्व भारत के साथ जुड़ने लगा है। योग जो शरीर मन बुद्धि को जोड़ता है, वो योग आज विश्व को अपने साथ जोड़ने में बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने सर्वाधिक वोटों से कम समय में जब योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वीकृति दी, तब से लेकर के आज दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जहां पर योग के संबंध में कोई कार्यक्रम न होता हो, योग के प्रति आकर्षण न बढ़ा हो, जागरूकता न बढ़ी हो। पिछले 3 वर्ष में योग के कारण अनेक नई नई योगा इंस्टीट्यूट्स आज डेवलप हुई हैं। पिछले 3 वर्ष में बहुत बड़ी मात्रा में योगा के टीचरों की मांग बढ़ी है। योगा की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी नौजवान योगा को एक प्रोफेशन के रूप में स्वीकार करते हुए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। दुनिया के सब देशों में योगा के टीचर की मांग हो रही है। विश्व में एक नया जॉब मार्केट योगा के द्वारा तैयार हो रहा है और भारत के लोगों की प्राथमिकता सारी दुनिया में सबसे पहले रहती है। एक जमाना था हर कोई अपने अपने तरीके से योग करते थे, धीरे धीरे उसका स्टैंडर्डाइजेशन, उसके स्टेजेज, योग में कैसे आगे बढ़ना, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, धीरे धीरे वैज्ञानिक तरीके से विश्व में समान रूप से योग की प्रक्रिया को भी स्टैंडर्डाइज करने की दिशा में भारत में और भारत बाहर भी बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। पिछले वर्ष यूनेस्को ने भारत के योग को मानव संस्कृति की एक अमर विरासत के रूप में मान्यता दी है। विश्व के संगठन स्कूलों में, कॉलेजेज में बालकों को योग की ट्रेनिंग मिले, बालक योग से जुड़े और धीरे धीरे वो जीवन का हिस्सा बन जाए, उस दिशा में जागरूकता बढ़ती चली गई है। आज भारत में भी कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने योग को शिक्षा का एक उपक्रम बनाया है ताकि हमारी भावी पीढ़ियां हमारी सदियों पुराने इस विज्ञान से परिचित हो, उसके अभ्यासु बने और वे उनके जीवन का हिस्सा बने। हेल्थ के लिए कई प्रकार के प्रकल्प होते हैं, लेकिन फिटनेस से भी ज्यादा, हेल्दी होने से भी ज्यादा वेलनेस का महत्व होता है और इसलिए वेलनेस को जीवन में सहज प्राप्त करने के लिए
योग एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज योग के सामने कहीं पर भी दुनिया में सवाल या निशान नहीं है। समयानुकूल परिवर्तन होते रहे हैं, विश्व के भिन्न भिन्न समाज उसमें कुछ न कुछ जोड़ते रहे हैं। स्थल काल परिस्थिति के अनुकूल, आयु के अनुकूल योग में उत्तरोत्तर विकास होता रहा है, उसका विस्तार भी होता रहा है। और इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं देश और दुनिया के लोगों को योग को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आग्रह करता हूं। हमें योग के मास्टर बने या न बने, हम योग में अचीवर बने या न बने, लेकिन हम योग के अभ्यासु बन सकते हैं। और जिस समय पहली बार योग करते हैं तो पता चलता है कि हमारे शरीर के कितने महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसकी तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं गया, कितने बेकार होते गए हैं। और जब योग शुरू करते हैं तो शरीर के अनेक अंग जो सुसुप्त अवस्था में पड़े हैं उनकी जागृति को हम खुद अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए कोई बड़ी दिव्य चेतना की आवश्यकता नहीं होती है। जिन्होंने पहली बार योग किया है उन सबको पता चलता है कि मेरे शरीर के अंग सुसुप्त पड़े थे, योग शुरू करने से ही उसके भीतर जागरूकता आने लगी है, चैतन्य आने लगा है। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं योग का महात्मा की बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, मैं बड़ी सरल भाषा में समझाता हूं। नमक सबसे सस्ता होता है, सर्वदूर उपलब्ध होता है, लेकिन दिन भर भोजन के अंदर अगर नमक न हो तो सिर्फ स्वाद बिगड़ जाता, ऐसा नहीं है, शरीर की सारी अंतर रचना को गहरी चोट पहुंचती है। नमक होता थोड़ा सा है लेकिन पूरी शरीर की रचना में उसका महात्म्य कोई नकार नहीं सकता है, उसकी जरूरत को कोई नकार नहीं सकता है। नमक, एकमात्र नमक से जीवन नहीं चलता है, लेकिन जीवन में नमक न होने से जीवन नहीं चलता है। यहाँ पर आए हैं माननीय प्रधानमंत्री, तस्वीरें आप लखनऊ के उस ग्राउंड से देख रहे हैं जहाँ पर अब पीएम मोदी पहुंच तो चुके थे, लेकिन अब योग यहाँ पर शुरू हो रहा है। और अब पीएम मोदी योग को शुरू करते हुए नमस्कार, गण्यमान्य अतिथिगण, योग साधकगण, योग प्रेमी देवियों और सज्जनों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, वेलकम एवरीवन टू द थर्ड इंटरनेशनल योगा डे। आइए प्रार्थना से हम सब योगा अभ्यास आरंभ करेंगे। लेट अस बिगिन द योग साधना विद अ प्रेयर। किसी भी ध्यानात्मक आसन में सुखपूर्वक बैठ जाइए। प्लीज सिट इन अ कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर। प्रार्थना के लिए आंखें बंद कीजिए। क्लोज योर आईज। हाथों को परस्पर नमस्कार मुद्रा में जोड़िए। ब्रिंग योर पाम्स टुगेदर इन नमस्कार मुद्रा। सभी एक स्वर में तीन बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात प्रार्थना आरंभ करेंगे। लेट्स चेंट ओम थ्री टाइम्स and followed by a prayer.
गच्छत्वं संवदध्वं संभो मनासि जानतां यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। धीरे से आंखें खोलिए और हाथों को पुनः ज्ञान मुद्रा में लाइए। Gently open your eyes and bring your hands in ज्ञान मुद्रा। सर्वप्रथम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। Let's chant, start loosening practices। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। Please stand up at your own place। यह अभ्यास शरीर में रक्त के सूक्ष्म संचारण को बढ़ाता है। These practices help in micro circulation। गर्दन झुकाने वाले अभ्यास से चालन क्रियाओं को शुरू करेंगे। We begin with neck bending। पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। Keep your feet 2 inches apart। हाथों को कमर पर रखिए। Place your hands on your waist। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को आगे झुकाइए। Exhale slowly and move your head forward। श्वास अंदर लेते हुए सिर को पीछे ले जाए। Inhale, take your head back। श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। Exhale, bring your head back to normal position। दाएं एवं बाईं ओर गर्दन झुकाने का अभ्यास। Right and left neck bending। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को दाहिने तरफ झुकाइए। Exhale and bend the head to the right। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस लाइए। Inhale and bring the head back। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाइए। Exhale and bend the head to the left। श्वास अंदर भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। Inhale, bring the head back to normal position। गर्दन मोड़ने का अभ्यास। Neck twisting। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाहिनी तरफ घुमाइए। Exhale, turn the head to the right। श्वास भरते हुए वापस आइए। Inhale and bring the head back। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाइए। Exhale and turn your head to the left। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। Inhale and slowly come back। गर्दन गोलाकार घुमाने का अभ्यास। Neck rotation। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाए। Exhale and bring the chin towards the chest। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की दिशा में पीछे ले जाए। Inhale and slowly rotate the head in clockwise direction। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे लाए। Exhale, come down। अब सिर को विपरीत दिशा में घुमाए। Now rotate your head in an anti-clockwise direction। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाए। Inhale, go back। श्वास छोड़ते हुए वापस आए। Exhale, come down। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाए और हाथों को पुनः अपनी जगह ले आए। Inhale and bring your head to the normal position। अब Place your palms by the side। अब हम स्कंद संचालन का अभ्यास करेंगे। Shoulder movement। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर उठाएं। Inhale, raise both the arms sideways above your head। हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हो। Palm facing outwards। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। Exhale, bring your arms down। इसी अभ्यास को 2 बार दोहराइए। Repeat this practice for 2 times। श्वास लीजिए। Inhale। श्वास छोड़िए। Exhale। श्वास लीजिए। Inhale। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आइए। Exhale and bring your arms down।
स्कंद चक्र का अभ्यास, शोल्डर रोटेशन, श्वास लेते हुए अपने हाथों को कंधों की ऊंचाई तक ले आए, इनहेल एंड रेज बोथ द आर्म्स अप टू शोल्डर लेवल, बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर व दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें, प्लेस द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड ऑन द लेफ्ट शोल्डर एंड द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड ऑन द राइट शोल्डर, अब दोनों कोहनियों को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं, नाउ रोटेट बोथ शोल्डर्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यह अभ्यास दो बार दोहराइए, रिपीट इट फॉर टू टाइम्स, अब इस अभ्यास को विपरीत दिशा में भी दो बार कीजिए, नाउ रोटेट योर शोल्डर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर टू टाइम्स, श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को पूर्ववत स्थिति में ले आए, एक्सहेल एंड ब्रिंग योर आर्म्स डाउन, अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया, ट्रंक ट्विस्टिंग, अपने पैरों को कंधों के बराबर की दूरी पर रखें, कीप योर लेग्स शोल्डर लेंथ अपार्ट, हाथों को कंधों के सीघ में समान सामने की ओर उठाएं, रेज योर आर्म्स टू द लेवल ऑफ योर चेस्ट, श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाई तरफ घुमाएं, एक्सहेल ट्विस्ट द बॉडी टुवर्ड्स द राइट, श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा करें, इनहेल कम बैक, श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाई तरफ घुमाएं, एक्सहेल ट्विस्ट द बॉडी टुवर्ड्स द लेफ्ट, श्वास भरते हुए पुनः सीधे हो जाए, इनहेल कम बैक, हाथों को भी वापस ले आए, ब्रिंग योर आर्म्स डाउन एंड रिलैक्स, अब हम घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे, नी मूवमेंट, श्वास भरते हुए अपने हाथों को एंड लिफ्ट योर आर्म्स अप टू शोल्डर लेवल, श्वास छोड़ते हुए अपने घुटों को मोड़िए और बैठने की स्थिति में आइए, एक्सहेल बेंड द नीज एंड कम टू स्क्वैटिंग पोजीशन, श्वास भरते हुए वापस आ जाइए, इनहेल कम अप, श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आइए, अगेन एक्सहेल गो डाउन, श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति में वापस आइए, इनहेल कम अप और विश्राम कीजिए, हाथ नीचे कीजिए, एक्सहेल ब्रिंग योर आर्म्स डाउन, अब हम भुजंगासन अभ्यास करेंगे, इस टाइम आप देख रहे हैं कि सब भुजंग आसन में कर रहे हैं, ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, ताड़ासन, पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं, ताड़ासन, 2 इंच अपार्ट, श्वास भरते हुए, ये आपकी स्पाइन आपकी बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा करें, इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड टर्न द रिस्ट आउटवर्ड, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, इनहेल ब्रिंग योर आर्म्स अप, सेतु बंद आसन, अब आप देख रहे हैं कि सब सेतु बंद आसन में आ रहे हैं, और ये आपकी पूरी स्पाइन के लिए लोअर बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रांग आसन है, एड़ियों को वापस लाएं, ब्रिंग योर हील्स डाउन, श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले, ताड़ासन का स्ट्रेच है, बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है, फुल बॉडी स्ट्रेच, देखिए पैरों से लेके हाथों तक पूरी बॉडी कितने अच्छे से स्ट्रेच होती है, डेली इसकी प्रैक्टिस से स्पाइन लंबी होती है और कंट्रोल आता है बॉडी में, श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें, इस टाइम वृक्षासन में आ रहे हैं, इससे आपको इतना मालूम पड़ता है आपके लेफ्ट और राइट साइड ऑफ आपका जो ब्रेन है कितना बैलेंस्ड है, और यहाँ पे हम पवन मुक्त आसन देख रहे हैं, यह शरीर को भी संतुलित बनाता है, श्वास छोड़ते हुए हाथों और दाहिने पैर को ये बैलेंस वृक्षासन में, अब यह आसन
दूसरे दोनों पैरों से बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की हर आसन का रिपीट, खासकर स्टैंडिंग पोस्चर्स करते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए और अपनी हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़े। इनहेल एंड ब्रिंग द आर्म्स अप, जॉइन योर पाम्स। शरीर को सांते हुए स्थिर रखे। स्ट्रेच योर बॉडी अप एंड ट्राई टू मेंटेन द पोस्चर। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और बाएं पैर को नीचे लाए और विश्राम करें। नाउ एक्सहेल एंड ब्रिंग द आर्म्स एंड लेफ्ट फुट डाउन। अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। पादहस्तासना। अपने पैरों को अपना पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखें। कीप योर फीट 4 इंचेस अपार्ट। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लाए। इनहेल रेज द आर्म अप। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए। एक्सहेल एंड स्लोली बेंड। वृक्षासन। कमर को खींचने का प्रयास कीजिए। स्ट्रेच अप फ्रॉम द वेस्ट। एक्चुअली ना ये पंजों के पास रखिए। कीप योर पाम्स बिसाइड द फीट। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। This asana makes the spine flexible and helps in digestion. अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। Now inhale and slowly come back. श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाए और विश्राम करें। Exhale, bring your arms down and relax. अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। Now we move on to अर्ध चक्र आसना। अपने हाथों को कमर के पीछे रखें। Place your hands at the back of your waist. अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखें। Keep your elbow parallel to each other. श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। Inhale and move the head backward. श्वास छोड़े और आसन में बने रहे। Exhale and try to maintain the posture. यह आसन श्वसन क्रिया और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में सहायक है। This asana improves breathing and helps to cure cervical spondylitis. श्वास भरते हुए सिर को वापस लाए। Inhale and slowly come back. श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पूर्व स्थिति में ले आए और विश्राम करें। Exhale, bring your arms down and relax. अब हम त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। त्रिकोण आसन। दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं। Now open your legs 3 to 4 feet apart. श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधों के ऊंचाई तक लाएं। Inhale and raise both your arms up to shoulder level. दाएं पैर के पंजे को दाई तरफ घुमाएं। Turn your right foot towards right side. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाई तरफ झुकते जाएं। Now exhale and slowly bend towards the right side. दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। Place the right hand behind the right leg. अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमिका उंगली को देखें। Turn your head and gaze at your middle finger. यह आसन पिंडलियों, जंगाओं तथा कटी की मांसपेशियों को पुष्ट करता है। This asana strengthens the calf, thigh and waist muscles. अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। Inhale and slowly come back. अपने दाहिने पैर के पंजों को सीधा कर ले। Bring your right foot back to the normal position. अब बाएं पैर के पंजों को बाई तरफ घुमाए। Now turn your left foot towards left side. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाई तरफ झुकते जाए। Exhale and slowly bend towards the left side. बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। Now place the left hand behind the left leg. अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाए और माध्यमिक उंगली को देखें। Turn your head and gaze at your middle finger. धीरे से श्वास भरते हुए वापस आए। Inhale and slowly come back. अब दोनों पैरों को मिलाएं और हाथों को भी वापस लाएं। Now join your legs
एंड ब्रिंग योर आर्म्स डाउन। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। नाउ वी मूव ऑन टू सिटिंग पोस्चर्स। धीरे से बैठ जाएं। प्लीज सिट डाउन। सर्वप्रथम हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। फर्स्ट आसन भद्र आसन। पैरों को सामने की तरफ सीधा कर ले। ऑल ऑफ यू स्ट्रेच योर लेग्स फॉरवर्ड। हाथों को नितंब के पास रखें और कमर सीधी कर लीजिए। कीप योर हैंड्स बिसाइड द हिप्स एंड मेक योर बैक स्ट्रेट। इसे दंडासन कहते हैं। दिस इज दंडासन। पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाइए। बेंड योर नीज एंड पुट द सोल ऑफ योर फीट टुगेदर। श्वास छोड़ते हुए पंजों के पकड़ लीजिए। एक्सहेल होल्ड योर टोस। अपनी एड़ियों को शरीर की तरफ लाएं। पुल योर हील्स टुवर्ड्स योर बॉडी। यह आसन मेरुदंड और घुटनों के जोड़ों को स्वस्थ बनाने में सहायक है। दिस आसना कीप्स द स्पाइन एंड हिप जॉइंट हेल्दी। धीरे से दंडासन में वापस आएं। नाउ कम बैक टू दंडासना। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। फोल्ड योर लेग्स एंड सिट ऑन योर हील्स। हाथों को घुटनों पर रखें। प्लेस द हैंड्स ऑन द नीज। कमर और गर्दन को सीधा करें। कीप योर हेड एंड बैक स्ट्रेट। इस स्थिति को वज्रासन कहते हैं। दिस इज वज्रासना। यह आसन पाचन क्रिया के लिए अत्यंत लाभदायक है। दिस आसना इज बेनिफिशियल फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। नाउ वी मूव ऑन टू उष्ट्रासना। जिन्हें उष्ट्रासन करने में परेशानी है वह कमर का सहारा लेते हुए अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करें। दोज हु आर हैविंग डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग उष्ट्रासना कैन परफॉर्म अर्ध उष्ट्रासन। घुटनों पर खड़े हो जाएं। स्टैंड ऑन योर नीज। घुटने के बीच कुछ इंच की दूरी रखें। Bring the knees and feet about a few inches apart. श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकें। While inhaling, bend backward. श्वास छोड़ते हुए दाई हाथ से दाई एड़ी और बाई हाथ से बाई एड़ी को पकड़ें। While exhaling, place the right palm on right heel and left palm on the left heel. श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में वापस आ जाएं। Return with inhalation and sit in Vajrasana. यह आसन मोटापा कम करने में सहायक है। पीठ और गर्दन के दर्द में भी आराम दिलाता है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस ओबेसिटी एंड क्योर बैक एंड नेक पेन। अब हम शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। नाउ वी मूव ऑन टू शशांक आसन। दोनों घुटनों को फैलाइए। स्प्रेड बोथ द नीज अपार्ट। हथेलियों को घुटने के बीच रखें। कीप द पाम्स बिटवीन द नीज। श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे लाएं। एक्सहेल एंड स्ट्रेच फॉरवर्ड। छाती और ठुड्डी जमीन से लगाएं। ब्रिंग द चेस्ट एंड चिन टू द ग्राउंड। यह आसन तनाव और उच्च रक्तचाप को कम करने में सहायक है। दिस आसना हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड हाई ब्लड प्रेशर। श्वास भरते हुए वज्रासन में आ जाए। इनहेल एंड स्लोली कम बैक टू वज्रासना। अगला आसन उत्थान मंडूकासन। उत्थान मंडूकासन। दोनों घुटनों को फैलाए। स्प्रेड बोथ द नीज वाइड अपार्ट। श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं। इनहेल रेज बोथ द आर्म्स अप। सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़े और हथेलियों को विपरीत कंधे पर रखें। क्रॉस बोथ आर्म्स बिहाइंड द हेड एंड प्लेस द हैंड्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ अपोजिट शोल्डर्स। पीठ एवं गर्दन को सीधा रखें और थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहे। तो योग दिवस पर न्यूज 18 इंडिया की खास कवरेज आप देख रहे हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें जहां पर न सिर्फ पीएम मोदी मौजूद हैं, बल्कि सीएम योगी भी यहां मौजूद हैं। और आज पूरा देश विश्व तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और ऐसे में हर आसन यहां पर करके दिखाए जा रहे हैं और उससे होने वाली उपयोगिता कितने उपयोगी हो सकते हैं, आसन कितना उपयोगी हो सकता है योग आपके लिए, आज ये जानने का वक्त है। अब घुटनों को मिलाते हुए
कपूर स्थिति में आ जाएं। Bring the knees together as in initial position. अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। वक्रासन। दंडासन में बैठ जाएं। Now come in दंडासन। अब धीरे से दायरे पैर को मोड़ते हुए दाएं पंजे को बाएं घुटनों के पास रखें। Bend the right leg and place the right foot beside the left knee. अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखें। Bring the left arm around the right knee and place the palm beside the right foot. श्वास छोड़ते हुए शरीर और सिर को मोड़े। Exhale, turn your body and head to the right. यह आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है और मधुमेह के प्रबंध में बहुत सहायक है। This asana increases the flexibility of the spine and helps to cure diabetes. श्वास भरते हुए वापस आ जाए। Inhale, come back. यह आसन बाएं तरफ से भी दोहराएं। Now we'll repeat the same asana on the other side. अब धीरे से बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के पंजों को दाहिने घुटने के पास रखें। Bend the left leg and place the left foot beside the right knee. अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखें। Bring the right arm around the left knee and place the palm beside the left foot. देख रहे हैं आप न्यूज 18 इंडिया और आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इस मौके पर अलग अलग तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। अब तक थोड़ी देर पहले पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी योग कर रहे थे, वो तस्वीरें भी मैं आपके सामने रखी। उस वक्त हमारे साथ योगा एक्सपर्ट अनि वर्मा और योगा एक्सपर्ट गुंजन कोचर जुड़ चुकी है और सबसे पहले रुख मैं अनि का करना चाहूंगी। अनि, क्योंकि एक सवाल बहुत उठ रहा है क्योंकि मन शांत आज के समय पर नहीं होता है लोगों का, और जब हम योगा शुरू कर रहे हैं तो ऐसे में मन को शांत करने के लिए सबसे पहले कौन सा योगा करना चाहिए? देखिए, महर्षि पतंजलि जी ने कहा था कि स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरम मतलब स्थिर, दैट इज स्टेडी। सुखम मींस कंफर्टेबल। ओके, तो स्थिर और सुखमय जो भी आसन है, चाहे वो पेट के बल हो या पीठ के बल हो या खड़े होके हो, वो एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए। उसमें अगर आप कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी आसन करते हैं तो आपका मन शांत रहता है, बॉडी अलाइंड रहेगी। तो सर्वप्रथम हम कहेंगे कि पद्मासन में बैठिए और ध्यान कीजिए ताकि आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बने आगे के आसन के लिए। तो कैसे करेंगे हम इसे? हाँ, तो सबसे पहले कंफर्टेबली बैठ जाइए। पद्मासन को हम कहते हैं लोटस पोज। तो इसमें दोनों पैर ऊपर रख लीजिए, आप अपने आराम से बैठ सकते हैं इसमें। अगर ये पॉसिबल नहीं होता है तो अर्ध पद्मासन सिखाते हैं हम, जिसमें एक पैर ऊपर और एक नीचे। अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो, कई लोगों के लिए नहीं हो पाता है, तो सुखासन, दोनों पैर आराम से जैसे रख सकें ऐसे बैठ जाइए। इसमें आप देखेंगे कि आपकी बॉडी पूरी अलाइंड है, आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपका हेड एक लाइन में है, आपके पैर स्थिर रहेंगे, तो इससे जितना ब्लड फ्लो हो रहा है वो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की तरफ जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा होता है आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस में। ऐसे बैठने के बाद ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग बहुत उपयोगी है अगर आप चिन मुद्रा में ऐसे बैठें या ज्ञान मुद्रा, तो आपका पूरा ध्यान और आपका जो पूरा शरीर है वो पूरा ध्यान लगाता है कि जो वाइब्रेशन होंगी ओम की वो आपको हीलिंग पावर देंगी। हम एक बार ओम का उच्चार करके दिखाएंगे। ओ कीजिए और फिर वाइब्रेशन को अपने ऊपर के हिस्से में फील कीजिए। इससे
मन शांत होता है और आगे के आसन के लिए आपकी बॉडी तैयार होती है। ठीक है, यानी इस तरीके से तो हम तैयार हो गए इसको शुरू करने के लिए, अपने मन को स्थिर रखने के लिए, और स्थिरता के बाद अब हम आगे बढ़े। अगर तो गुंजन, कौन सा योग बहुत ज्यादा अच्छा है आज के इस स्ट्रेस भरे, जो मतलब लोग इतने परेशान रहते हैं, उस तरीके से अगर देखा जाए तो कौन सा आसन करना आज के लिए सही रहता है? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि हमेशा सबसे पहले नोट कीजिए कि आपकी बॉडी, आपकी स्पाइन कितना कर सकती है। पहले हमेशा एक टीचर के साथ जब भी करें आसन, टीचर के साथ करें। और जो आज के टाइम में आसन है, काफ़ी स्ट्रेस है और लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलती है, उसके लिए पश्चिमोत्तान आसना बहुत ही अच्छा आसन है, जिसे आप फॉरवर्ड बेंडिंग आसना कहते हैं, आपको मेंटल क्लैरिटी मिलती है। उसके अलावा बैकवर्ड बेंड्स जो है, उससे क्या होता है कि आपकी जो स्पाइन है वो फ्लेक्सिबल रहती है, तो आपकी स्पाइन का जो सीरम है वो आपके ब्रेन तक पहुंचता है, और इससे आप फ्लेक्सिबल रहते हैं, आप अलर्ट रहते हैं और आप रिलैक्स रहते हैं। और ऐसे बहुत से और आसन हैं, पर ये देखते हुए कि आपका शरीर कितने कंफर्टेबली कर सकता है। जब आपने शुरू किया तो आपने कहा कि एक अच्छा गुरु और एक ट्रेनर जरूरी है। ये सवाल बहुत लोगों के मन में उठता है कि योग शुरू सब करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि उनको लगता है कि कहीं अगर मैंने गलत कर दिया तो इससे बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 8-10 साल पहले की बात है, जब मैं एक लालसा रहती थी हमेशा एक गुरु की और टीचर की, तो उस टाइम पर मेरे को भी होता, मैं टीवी देखकर कहीं ना कहीं से आसन देख लेती थी, पर उससे मुझे बहुत नुकसान हुआ। और मैं आज भी यही कहूँगी कि आप जब भी योगा शुरू करें, हमेशा पहले अपने टीचर की क्रेडेंशियल्स पता करें, उनसे पता करिए उन्होंने कहाँ से, कितने साल उनकी खुद की प्रैक्टिस है, और उसके साथ ही शुरू करें। सामने टीचर के करना और अलग से करना में बहुत बहुत फ़र्क है। आपको नहीं मालूम कहाँ आप गर्दन मोड़ रहे हैं, आपको नहीं मालूम आपका पैर कहाँ जा रहा है, और आपको वो बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे जब तक आपकी टीचर आपको सामने नहीं देखेंगे। तो मेरा बिल्कुल ये मानना है कि योग शुरू करने के टाइम आपको एक सही संस्थान, सही स्कूल ज़रूर चाहिए। यानी जिस तरीके से हम लोग ये बात कर रहे हैं इन सब के लिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब हम योग कर रहे हैं उस वक्त इस तरीके से हमें योग करना चाहिए जो हमारे बॉडी को कहीं इफेक्ट नहीं डाले। लेकिन एक तरीके से हम ये देखते हैं कि कई बार योग आजकल हम इतने जल्दबाजी में होते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम होता है, और हमारे हम सोचते हैं 20 मिनट योगा करना है, तो हो सकता है जिस पोजीशन पर हमें अपनी बॉडी को रखना है उतने पोजीशन पर हम स्टे नहीं करते, और जल्दबाजी में हम योगा करके सोचते हैं जल्दी जल्दी हमें योग आसन करने हैं और ख़त्म करना है। क्या इसका नुकसान भी हो सकता है बॉडी पे? बिल्कुल हो सकता है। आप जो भी चीज़ जल्दबाजी में करते हैं उसका आपको बेनिफिट कभी नहीं मिलता, क्योंकि योगा एक ऐसा मीडियम है या ऐसा टूल दिया हुआ है हमें, एक मतलब कि आप अगर समझे कि जहाँ आपकी ब्रेथ इन फोकस नहीं है, जहाँ आपकी बॉडी इन फोकस नहीं है, वहाँ आप क्या कर रहे हैं आपको खुद ही नहीं मालूम। योगा इज़ बैलेंसिंग आपका बॉडी, माइंड एंड सोल। अगर आपको वही नहीं मिलेगा उस 20 मिनट में, तो आप बिल्कुल उसी तरीके से घर से बाहर निकलेंगे जैसे आप परेशानी में शुरू आपने किया था प्रैक्टिस। तो आप जब भी योगा करें, बेशक 10 मिनट करें, उसको ऐसे एनवायरनमेंट में करें जब आपका फ़ोन बंद हो, आपके आसपास कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और आप अपने सांसों को, अपनी श्वास को सुन सकें और महसूस कर सकें। अनी, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत कम वक्त हमारे पास होता है, और जिस तरीके से गुंजन बता रही हैं कि जितना भी 10 मिनट भी आप कीजिए, लेकिन आप अपने आप को स्थिर करके कीजिए। अनी, कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो आप, अगर आपके पास वक्त कम है, 10 मिनट का आपके पास वक्त है, तो अगर आप वो कर लेते हैं तो वही आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा? हम सबको ये सिखाते हैं कि सर्वप्रथम उठते से ही आप ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटी चक्रासन का प्रैक्टिस कीजिए। जी, हम खड़े होके बताना चाहेंगे। जी, आप जब ताड़ासन करते हैं तो आपका पूरा बॉडी अलाइंड होता है,
आप उसमें आपके पैर कंफर्टेबल डिस्टेंस पे रखिए। मैं आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगी, हम इस हम चर्चा को आगे रखेंगे, लेकिन ये तस्वीरें जो सियाचिन की हैं, ये अपने दर्शकों को दिखा दें, ना सिर्फ देश विदेश हर जगह आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, बल्कि सियाचिन में भी किस तरीके से हमारे जवान योग दिवस पर योगा करते दिख रहे हैं, ये तस्वीरें उसकी गवाही देती हुई। अनी, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे टीटी के सॉल्यूशन, मतलब त्रयक ताड़ासन, ताड़ासन और कटी चक्रासन, जिसकी प्रैक्टिस अगर हम सुबह उठते से ही दो ग्लास गर्म पानी पीने के बाद करें और उसके बाद अपनी सुबह की क्रिया के लिए जाएं, तो आपका पूरा शरीर आपको फील होगा लाइट और फ्लेक्सिबल। तो ये काम करने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। आप ताड़ासन के लिए कंफर्टेबली खड़े हो जाइए, पैर में थोड़ी सी दूरी। आप अपने हाथों को इंटरलॉक करके अपने सर के ऊपर ऐसे रख के श्वास लेते हुए अपनी एड़ियां ऊपर करते हुए और हाथ ऊपर की तरफ खींचते हुए खड़े हो जाइए। इससे आपका पूरा शरीर स्ट्रेच होता है, नीचे के काव मसल्स, थाइस, बैक, एब्डोमेन, नेक और सर, आर्म्स तो ऑफ कोर्स हो ही रहे हैं इस पोजीशन में। इसी के साथ अगर आप सामने एक पॉइंट पे अपनी नज़रें रखेंगे तो आपका कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होगा। इसको आप 5 से 10 बार कीजिए। दूसरा है त्रियक ताड़ासन। क्या इसमें थोड़ी देर अपने आप को रोकना भी चाहिए, इस पोजीशन पर स्टे करना भी ज़रूरी है, या केवल हमने एक बार किया और हम तुरंत नीचे आ गए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप जब इसको सांस लेते हुए ऊपर जाते हैं तो आप जितनी देर भी सांस रोक सकते हैं उतनी देर रोक के रखें, और जैसे ही लगे कि आपको सांस छोड़नी है तो छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। ठीक है, दूसरा आप क्या बता रही थी? दूसरा त्रियक ताड़ासन, इसको स्विंग पाम ट्री पोज बोलते हैं। उसमें हाँ, आप एड़ियां ऊपर नहीं करते हैं, आप पैर ऐसे ही रखिए या थोड़ा सा और दूर, हिप विड्थ अपार्ट, और उसके बाद इसी मुद्रा को आप सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ झुक जाइए। इसमें रुकिए, जैसा कि आपने कहा कि इसमें स्टेबिलिटी, और हमने भी शुरू में कहा स्थिरम सुखम आसनम, तो स्थिर जितने कंफर्टेबली रह सकते हैं आप झुकिए। 5 बार राइट और 5 बार लेफ्ट, ये त्रियक ताड़ासन है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि टीटी के हमने कहा कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में आप पैर थोड़ा सा और दूर रख के हाथों को कंधों के लेवल पे रखिए और राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे और लेफ्ट आर्म को पीछे। ठीक है, ओके। और आप जब ट्विस्ट करेंगे तो आप जितना ट्विस्ट कर सकते हैं सांस छोड़ते हुए उतना करिए, और अपने पीछे के दूसरी तरफ के पैर की तरफ देखना है। ठीक है, तो इससे आपका साइड स्ट्रेच हो रहा है और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है ये और फ्लेक्सिबल होता है। तो ये 3 आसन आप सुबह सुबह कीजिए, ये 10 मिनट करना। ठीक है, गुंजन, कई बार इसमें जब हम योगा कर रहे होते हैं तो ये भी देखते हैं कि जो सांस हम ले रहे हैं और जो हम सांस छोड़ रहे हैं वो दोनों बहुत अहम किरदार निभाता है एक योगा करते वक्त। तो ऐसे में अगर हमने गलत कर दिया, जैसे जब हमें सांस लेना है तो हमने सांस छोड़ दिया, तो क्या जितना योगा का असर पड़ना चाहिए शरीर पर उतना ही पड़ता है या इसके नुकसान भी हो जाते हैं? तो इसमें हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जब भी हम अपनी बॉडी को लेंथन करते हैं या हम आसन शुरू करते हैं जहाँ पे हम अपनी शरीर में एक स्पेस चाहते हैं, वहाँ पे हम ज़्यादातर इनहेल करते हैं ताकि हमारे शरीर में और सांस बढ़े, और एक्सहेल करने के टाइम हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं या हम अपने बॉडी को बेंड करते हैं। और ये काफ़ी स्कूल्स में फ़र्क है क्योंकि कहीं इनहेल और एक्सहेल अलग तरीके से भी होता है, पर अगर आपका ब्रेथ वर्क, आपका अगर इनहेल और एक्सहेल ठीक तरीके से होगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नुकसान हो सकता है, बॉडी पे डिपेंड करता है अगर आप किस पोस्चर में कहाँ पे उसको होल्ड कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जहाँ पे आप इनहेल एक्सहेल का ध्यान रखते हैं वो है, आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर है, जहाँ पे आपको हाई ब्लड प्रेशर है वहाँ पे आप सांस लेके आप होल्ड नहीं कर सकते ज़्यादा देर, आप सांस छोड़ के होल्ड कर सकते हैं।
तो ये चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। अरे बहुत लोगों को शरीर में बहुत दर्द रहता है, मतलब कई बार जो लोग घंटों घंटों ऑफिस में बैठे रहते हैं उनके बैक में प्रॉब्लम होती है, लेडीजों के साथ दिक्कत होती है, उनके कमर में प्रॉब्लम होती है, इसके लिए क्या करना जरूरी है? कई बार ऑफिस में क्या ऐसा कुछ आसन है जो हम इंस्टेंट कर सकें और थोड़ा सा बॉडी हमारा रिलैक्स हो जाए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए हम जो कॉर्पोरेट में योगा सिखाते हैं उनको बोलते हैं एंटी रोमेटिक आसनास कीजिए। एंटी रोमेटिक मतलब जो जॉइंट के पेन है उन सबको अवॉइड करने के लिए, राइट? हाँ, हाँ. तो उसमें आप अपने रिस्ट रोटेट कीजिए, ये तो आप अपनी सीट पे बैठे भी कर सकते हैं, या फिर हाथ को ऊपर नीचे, इसमें भी सांस का ध्यान रखना है। और उसी तरह आप कंधों को भी घुमा सकते हैं, इससे सर्वाइकल में भी आराम मिलता है। कमर के लिए भी आसन होते हैं, उसमें से एक पाद हस्तासन जिसको फॉरवर्ड बेंडिंग पोज कहते हैं, हैंड टू फुट पोज भी कहते हैं, उससे आपका ओवरऑल स्पाइन ही फ्लेक्सिबल होता है। तो हम एक बार करके बताएंगे। इसमें आप सांस भरिए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकिए। अभी इसमें अगर आपको कमर में क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट अगर स्टिफनेस है तो आप जितना इजीली झुक सकें उतना ही झुकिए। इस तरह से और भी आसन हैं जो कि ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छे होते हैं, जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो हर तरह से आपको आपके शरीर को फायदा होता है, हर तरीके से आपके शरीर को फायदा होता है। तो हमारे साथ योगा एक्सपर्ट बनी हुई हैं, वो तमाम शंकाएं जो आपके मन में चल रही है उनका निराकरण यहाँ पे करेंगे।